गुड इवनिंग अरिवान शुरू कर सकते हैं सबको इन्फॉर्मेशन मिल गए थे क्लास का और जो ग्रुप में नहीं होंगे कल तो हमने छुट्टी कर लिया था फिर आज सडनली क्लास हो गई और जो ग्रुप में नहीं होगा जिसने मैसेज नहीं देखा होगा वो <clears throat> चलो कोई नहीं आगे छुट्टी का मजे लेंगे लास्ट लास्ट हम लोगों ने क्विक लिक्विडिटी रेशियोज़ का हेलो कुछ रेशियो पर डिस्कशन किया था कौन कौन सी करेंट रेशियो क्विक रेशियो बस दो ही देखा था वैसे हम लोगों ने जनरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कितने रेशियोज वगैरह देखा बताओ कौन कौन सी नहीं 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 वैसे जब हम लोग नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे तो कुछ कुछ रेशियोज वगैरह हमने डिस्कशन कर लिया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी ई ये भी एक रेशियो है ई भी एक रेशियो है डी पी एस आर ई पी एस फिर हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया था किसको? EPS को ई पी एस को ओके ये ई पी एस हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है कौन सी डी पी एस एंड आर ई पी एस जब हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं परसेंटेज टर्म में तो यही परसेंटेज क्या बन जाता है पे आउट रेशियो और ये क्या बन जाता है आपका रिटेंशन रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दो तरह का होगा एक प्री टैक्स एक पोस्ट टैक्स पोस्ट टैक्स निकालना हो बहुत आसान है जो आपका प्री टैक्स रिटर्न आएगा उसमें क्या कर देना वन माइनस टी कर देना जब भी वन के साथ आप कोई भी रेट यूज करो तो हमेशा आपको डेसिमल में यूज़ करना है कभी भी हम लोग अगर टी यूज़ करें तो ये होगा थर्टी परसेंट वन माइनस टी यूज करूँ तो इसका मतलब है सेवेंटी परसेंट ऐसे समझ के चलना है यानी कि जो हमारा टोटल अर्निंग है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया एक जो गवर्नमेंट को दिया एक जो हमारे पास रह गया तो ये जो थर्टी परसेंट ये हमारा सेवेंटी परसेंट तो अभी हम क्या कह रहे हैं जितना भी प्री टैक्स रिटर्न आए उसमें से अगर वन माइनस टी कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए नेट ऑफ टैक्स आर ओ सी का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या कमाते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कितने लोगों का है कैपिटल एम्प्लॉयड कितने लोगों का है तीन लोगों का तो तीनों लोगों का कमाई कौन सी है ई बी आई ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है तो हम लोगों को जब भी कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे ई बी आई टी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड ओके रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी एक इक्विटी के लगाए हुए पैसे का रिटर्न है क्या लेंगे हम लोग अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी अब इक्विटी का मतलब क्या है यहाँ पे ये बताइए क्या इक्विटी कैपिटल इक्विटी के लगाए हुए पैसे जब भी मैं इक्विटी बोल रहा हूँ तो इक्विटी के लगाए हुए पैसे इक्विटी के लगाए हुए पैसे कौन सी है इक्विटी कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग भी तो उसी का है अगर मान लीजिए रिटेन नहीं है बिजनेस में लॉस है और वो एक्मुलेटेड लॉस बैलेंस शीट में दिख रहा हो तो वो किसका है, है। वो भी तो इक्विटी का है ना आप सोचो कमाए हुए पैसे जो कंपनी ने रिटेन किया वो अगर ओनर का है तो लॉस अगर एकुमुलेटेड है बैलेंस शीट में तो वो किसका है वो भी इक्विटी का है तो जब भी मैं कभी इक्विटी बोलूँ तो इक्विटी के कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग जिसको रिजर्व भी बोल सकते हैं रिटेन अर्निंग में और रिजर्व में हमारे एफ में कोई डिफरेंस नहीं है ध्यान रखना रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व में कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है और अगर कोई लॉस है तो उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे कौन सी लॉस बैलेंस शीट में जो है वो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो बैलेंस शीट में कौन सी लॉस होता है वैसे आज के रेट पे आपको बैलेंस शीट में लॉस नहीं दिखेगा सही बोल रहा हूँ कैसे रिजर्व निगेटिव दिखते हैं आज के रेट पे आपको रिजर्व को निगेटिव दिखाने होंगे तो ये जो रिटेन अर्निंग है वो जो रिजर्व है वो आपका क्या बन जाएगा निगेटिव लेकिन क्वेश्चन तो पुराने हैं तो अभी भी क्या मिल सकता है लॉस वगैरह ठीक है डी पी एस आर ई पी एस सब आपको पता है नंबर ऑफ शेयर से हमें क्या करना है डिवाइड करना है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने लिक्विड लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो देख लिया था करंट रेशियो जो कि करेंट एंड करेंट लाइबिलिटी के रेशियो को बताता है क्विक रेशियो क्विक एंड करेंट लाइबिलिटी को बताता है अब हम आते हैं थर्ड रेशियो पे थर्ड रेशियो है हमारा <coughs> कैश रेशियो या इसी को हम लोग एब्सलूट लिक्विड रेशियो बोलते हैं कैश रेशियो या फिर एब्सलूट लिक्विड रेशियो लिक्विड रेशियो बोले तो क्विक रेशियो क्विक रेशियो के एक और नाम दिया था ना अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न थोड़ा सा होता है सर ये कैटेगरी भी है लिक्विडिटी लिक्विड रेशियो भी है हाँ तो ठीक है कैटेगरी का भी नाम है लिक्विडिटी रेशियोज ये भी एक कैटेगरी है अब रेशियोज में से ऐसा आ दो एक रेशियो बना दो लिक्विडिटी रेशियो बोल दो तो वो आपका क्विक रेशियो को कहलाता है समझ में आ गए तो जो आपका लिक्विड रेशियो है वो ये बताते हैं कि कितने हमारे कंपनी में क्विकली कैश आने वाला असेट्स कितना है तो क्विक रेशियो तो एब्सलूट लिक्विड जो कैश आने वाले हैं जो ऑलरेडी कैश में है एब्सलूट लिक्विड तो मुझे बताइए बिजनेस में एब्सलूट लिक्विड क्या है कैश है बैंक में जो पड़ा हुआ है वो भी है अगर किसी के पास कोई इक्विटी शेयर है जो कि लिस्टेड हो आपको पता है वो लिस्टेड शेयर को बेच के पैसे निकालने में कितना टाइम लगेगा दो दिन आज बेचो कल नहीं चलो कल आ जाएगा एक दिन कह सकते हो तो क्या उसको भी मैं ऑलमोस्ट कैश ही बोल सकता हूँ तो जो कैश रेशियो है ये कैश रेशियो भी हम करेंट लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में ही इसको कंपैरिजन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में अभी है, अभी ठीक है तो ये देखिए तो अगर आपको कैश रेशियो निकालना हो कैसे निकालेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस इसमें ऐड कर देना क्या ऐड करना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब जिसका मार्केट में कोई वैल्यू है खास करके लिस्टेड होता है लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर में कुछ डिफरेंस पता है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है वो लिस्टेड है जो नहीं है वो अनलिस्टेड है कौन से स्टॉक लिस्टेड हो सकता है पब्लिक कंपनी की प्राइवेट भी लिस्टेड हो सकता है नहीं, नहीं हो सकता है. सारे पब्लिक लिस्टेड होते हैं नहीं।, नहीं नहीं भी हो सकता है ठीक है क्यों नहीं हो सकता है फिर उनको जरूरत ही नहीं पड़ा कभी पब्लिक से फ़ंड रेज करने का मतलब मार्केट के थ्रू फंड रेज करने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ा तो अपना नहीं लिस्टिंग कराया उसकी चॉइस है लिस्टिंग का मतलब कुछ लोग एक दो बार पूछे थे सर लिस्टिंग का मतलब ही नहीं समझ आता है। लिस्टिंग का मतलब क्या है परमिशन लेना स्टॉक एक्सचेंज में, में मेरा भी सामान ट्रेड हो जाए हमने उसमें जो अपना परमिशन लिया ट्रेड करने का उसी को लिस्टिंग कराना बोलते वेरी सिंपल और उससे ज्यादा कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस ये क्या हुआ प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी इसको माना जाता है ये कैश के फॉर्म में ही हमारे पास एब्सलूट लिक्विड है ये डिवाइडेड बाई क्या करना है करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में ही सारा चीज़ है सारे के सारे लिक्विडिटी रेशियो करेंट लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में ही क्यों चेक कर रहे हैं हम हम कुछ रेशियो पढ़ रहे हैं अभी आपने क्या पढ़ा कि टॉप मैनेजमेंट की जो लोग हैं रेशियो यूज़ करके डिसीजन लेते हैं तो ये हर जितने भी रेशियो आप पढ़ रहे हो सारे करेंट लाइबिलिटी से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि तो हम कितना लिक्विड है ये जानने के लिए हम यही जानना चाहेंगे ना कि हमारे जो पेवल है उस पेमेंट करने के लायक हम कितना है हमारे पास कितना ऐसा एसेट्स है जिसको हम लोग इमिडिएटली पे मतलब जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए जो हमारे पास असेट्स है वो कितना सक्षम है पे कर भी सकते नहीं कर सकते उस चीज़ों को अनालज़ कर रहे हैं इसलिए जितने भी रेशियो हम लोग देख रहे हैं सारे किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं करेंट लाइबिलिटी क्योंकि उसी को पेमेंट करना है हमें ओके इसकी वैसे कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं दिया गया है ऐसा कुछ नहीं बोला गया कितना होना चाहिए आप चाहो तो वन पॉइंट वन से तो नीचे ही रहेगा क्योंकि आपका करेंट रेशियो कितने के अराउंड टू टू के आसपास यानी कि टोटल करेंट ऐसे ज़्यादा होना चाहिए क्विक एसेट्स को हमने एक पे लेके आ गए तो अब क्विक एसेट्स तो इससे ज़्यादा ही होगा ना तो हमने और न्यूमरेटर कम कर दिया तो क्या लगता है कैश रेशियो थोड़ा सा और कम भी चल जाएगा लेस देन वन भी चल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि इतना होना चाहिए तो कोई बात नहीं ठीक है अब एक रेशियो क्या है इसमें बेसिक डिफेंस इंटरवल बेसिक डिफेंस इंटरवल में लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि मान लीजिए कंपनी का सेल बंद हो जाता है तो कंपनी का सेल अगर बंद हो जाते हैं तब जो उनकी कैश एक्सपेंसेज है वो कैश एक्सपेंसेज मीट करने के लिए कितना दिन ये बिजनेस चल सकता है यानी कि बिना सेल का ये कितने दिन बिजनेस चला सकते हैं वो चीज कौन बताता है बेसिक डिफेंस इंटरवल अब इसमें थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग की नॉलेज होना पड़ेगा ठीक है जी वैसे इसने बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ लिख के दिया है आपको ठीक है इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस का एक्सपेंसेस हमने बोला था कि देखिए वैसे मटेरियल लेबर फैक्ट्री का ओवर उसको जब क्लब करते तो एक नाम देते हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसका कॉस्ट जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला कि इंटरेस्ट बिजनेस का कॉस्ट नहीं है वैसे ही जो ऑफिस में लगाने वाले खर्चे हैं उसको गुड्स का कॉस्ट नहीं बोला जाता है अब थोड़ा सा लॉजिक वगैरह थोड़ा कहाँ एनालाइज करते रहना कॉस्टिंग के अंदर मैं भी क्या कह रहा हूँ कि गुड्स जो है हमारा जैसे मान लीजिए हम बुक्स बेचते हैं अगर हम बुक्स बना रहे हैं तो कह रहे कि देखो बुक्स बनाने के लिए जो ऑफिस में बैठे हुए बंदे हैं उसके खर्चे हम बुक्स पे नहीं डालेंगे खर्चा है हमारा लेकिन बुक्स का कॉस्ट नहीं इसलिए बोलते हैं गुड्स के कॉस्ट के अंदर वो खर्चे को कंसीडर नहीं करते नॉर्मली लेकिन हाँ अगर ये बोले कि ऑफिस में बैठे हुए बंदे डायरेक्टली किसके लिए काम कर रहा है उस बुक्स बनाने के लिए तो फिर ये हम इस पर यूज करने लग जाते हैं आपको दो ट्रीटमेंट बताए जाएंगे कॉस्टिंग में कि ऑफिस का एक्सपेंसेस गुड्स पे डाल भी सकते हैं जिसको ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब एडमिन हो सकता है आप लोग एडमिन से समझते हो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस दोनों एक ही चीज़ है ऑफिस का एक्सपेंसेस या एडमिन का एक्सपेंसेस गुड्स पे जाएगा या नहीं जाएगा इसका दो ओपिनियन चलता है ओपिनियन यह है कि ऑफिस में बैठे हुए पर्सन डायरेक्टली किसके लिए काम कर रहा है मान लीजिए हमने जैसे एग्जाम्पल लिया कि रिसेप्शन ऑफिस है अगर यहाँ पर सिर्फ इंटरमीडिएट की क्लास चल रहे होते तो वो ऑफिस का खर्चा गुड्स पे डालना चाहिए ये ओपिनियन है कॉस्टिंग के अंदर क्योंकि आपने डायरेक्टली किसके लिए काम कर रहे हो एक ही चीज़ों के लिए लेकिन वो ऑफिस अगर दो तीन चीज़ों के लिए काम कर रहा है तो कह रहे फिर तो इनडायरेक्टली लिंक है तो वो फिर गुड्स पे मत डालो आपका टोटल कॉस्ट में आएगा लेकिन गुड्स के कॉस्ट में नहीं आएगा वो इसीलिए हम जो गुड्स की कॉस्ट होती है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स जो बेचा गया है उसके अंदर ऑफिस के एक्सपेंसेस नॉर्मली हम नहीं रखते हैं। याद रखना हम अपने ट्रीटमेंट में नहीं रखेंगे पूरे वर्किंग कैपिटल चैप्टर में सबसे ज़्यादा परेशान करेगा आपको ये कौन एडमिन ओवर क्यों क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगा दस क्वेश्चन में से आठ क्वेश्चन में ये गुड्स पे कॉस्ट नहीं डालेगा और दो क्वेश्चन में जाके डाल देंगे आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा सर हमारा तो आंसर ही मैच नहीं होगा हम क्या करें अब हम कहते हैं कि देखिए आपको अप्रोप्रिएट सोल्यूशन देना है करेक्ट कुछ नहीं होता इस लेवल पर आके फाइनल में जब पहुँचोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट एक चैप्टर के क्वेश्चन में मिस्टेक एक चैप्टर में सारे में नहीं एक डेरिवेटिव है मैंने बोला था मार्केट में कुछ जुआ खेला जाता है वो डेरिवेटिव से जुआ खेला जाता है कॉल पुट फ्यूचर कॉल पुट फ्यूचर कॉल तो ऐसा जुआ है कि सुबह दस हज़ार लगाओ शाम को या तो ज़ीरो हो जाएगा और या होता है ये दस करोड़ भी पहुंच सकता है बोलोगे दस करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया चलो ठीक है एक करोड़ कर लो बोलो कि ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है ऐसा तो कितने दिन मिल जाएगा आपको बोलो कि ऐसी बात है हाँ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कुछ लोगों को आ सकता है फिर आपको पता है जुआ ऐसा ही चीज़ होता है तो ये चीज़ इसका नाम है कॉल एंड पुट ये पढ़ना है आपको फाइनल में डेरिवेटिव चैप्टर में उस डेरिवेटिव चैप्टर के अगर सौ क्वेश्चन है उसके पचहत्तर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है अब बताओ इतनी प्रॉब्लम है फाइनल लेवल पे जाके लेकिन आपके लेवल पे इतना नहीं है मुश्किल से दस से पंद्रह परसेंट मिलेंगे तो ये सारा चीज़ इसीलिए बार बार कहते हैं हमें अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन की तरफ जाना है एक्यूरेट की तरफ भागोगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा बस सिंपल इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता और ये आप धीरे धीरे आप ख़ुद भी रियलाइज करोगे मान लीजिए सेम क्वेश्चन दो सेम इन सेम सिचुएशन सारे आइटम्स से सेम है दो क्वेश्चन में दोनों की सोलूसन अलग है अब क्या करोगे बताओ क्वेश्चन वाइज सोल्यूशन याद करके जाओगे पॉसिबल ही नहीं है ना वैसे अभी तक कोई आप लोगों को दिक्कत भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को कान नहीं भरा गया है अभी कि देखो बेटे आपकी सोल्यूशन कैसे होनी चाहिए इंस्टीट्यूट के जैसे अभी तो आप लोग जब फाइनल में पहुँचते जब तीन चार बार जो बच्चे फेल हो चुके होते हैं ना उससे कभी भी मिलोगे तो इतना डर चुका होता है कि तो वो कहते हैं अगर इंस्टीट्यूट की सोलूशन से हम डिफर करेंगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे इतना डर चुके होते हैं वो और वो जाके क्या करते हैं सबको और कंफ्यूज कर रहे होते जबकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे टाइम्स डिफरेंट सॉल्यूशन आप सजेस्टेड से अगर सॉल्यूशन नहीं भी मैच होगा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे कम से कम दस पंद्रह वीडियो मैंने ऐसे बना रखा है फाइनल के लिए इवन जो इससे पिछले अटेम्प्ट में जो नाइन्टी आया हुआ था उनके भी दो क्वेश्चन में सोल्यूशन में आंसर में डिफरेंस थे कुछ लोग कहते राउंडिंग ऑफ का मार्क्स कट हो जाता है ढाई ढाई लाख का आंसर में डिफरेंस जाता है कैपिटल वेस्टिंग के अंदर फिर भी फुल मार्क्स मिलते हैं। इवन इस बार फाइनल में एक क्वेश्चन टेन मार्क्स का ऐसा था जिसके इंस्टीट्यूट की खुद की सॉल्यूशन दो बार दो अलग अलग तरीके से दिया हुआ था वो क्वेश्चन एग्जाम में आए इस बार जिस बच्चे का मेरे जो नाइन्टी थ्री मार्क्स है उससे मैंने पूछा कि आपने इसमें क्या किया दो ट्रीटमेंट है इसके आपने कौन सी दिए कहते सर मैंने जो बताया था कि अप्रोप्रियट ये सोल्यूशन होना चाहिए क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ने पहले दो सोल्यूशन कुछ चेंज किया हुआ था उसमें कुछ मिस्टेक थे वो मिस्टेक अब थोड़ा सा ठीक है बता रहा हूँ कुछ तो आपको देखो ये सब चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि कभी कोई अगर आपको कुछ बोलते हैं तो आप उसको समझने लायक बनो मैं आपको बताता तो हूँ थोड़ा सा एक हिस्ट्री 2022 में अटेम्प्ट एक क्वेश्चन आता है कुछ फाइनल में कुछ एक क्वेश्चन है फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं उसमें कुछ यही डेरिवेटिव का ही एक कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कैप्स फ्लोर एंड कॉलर वैसे आपके लिए रेलिवेंट नहीं है जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ लेकिन इंस्टीट्यूट की जो रवैया है वो क्या चल रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार तो प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा नहीं तो बार बार आपको वीडियो देखना शुरू हो जाएगा इंस्टीट्यूट मार्क्स ही नहीं देता है इंस्टीट्यूट मार्क्स ही नहीं देता है खास करके फाइनल वाले ही होगा ठीक है आपको भी क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस लो शायद हम गलती कर लिए इस कोर्स में आके ये सब चीज़ मिलते रहते हैं जैसे इससे पिछले अटैम्प्ट में भी यही प्रॉब्लम था एक क्वेश्चन में किसी भी बच्चों को मार्क्स नहीं दिए गए थे मेरे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कई बार इंस्टीट्यूट गए कई बार बोर्ड ऑफ स्टडीज में गए स्टडी मैट में कुछ मिस्टेक थे आप स्टडी मैट करेक्शन करो बच्चों ने स्टडी मैट के जैसे दिया हुआ है सोल्यूशन फिर भी मार्क्स नहीं दिया स्टडी मैट में जो सोल्यूशन है वही सोल्यूशन कौन दे रहा है स्टूडेंट एक भी बच्चे को मार्क्स नहीं मिले इसी डेरिवेटिव चैप्टर में और उसकी वजह से पूरे के पूरे इशू क्रिएट हुई थी नवंबर 2023 अटेम्प्ट में बस आप कभी फुर्सत मिले अगर लगे कि मैं जो भी बोल रहा हूँ समझना चाह रहे हो तो बस एक वर्ड लिखना बाइनोमियल मॉडल नवम्बर 2023 25 वीडियो आ जाएंगे सामने सब गालियाँ दे रहे किसको इंस्टीट्यूट को उसके में मेरे भी दो तीन आ जाएंगे लेकिन मैं वहाँ पर <laughs> बट मैं इंस्टीट्यूट को गालियाँ नहीं दे रहा था मेरा फेवर में मिल जाएगा इंस्टीट्यूट के फेवर में हाँ मेरे को बच्चों से गालियाँ मिल जाएगा क्योंकि अगर बच्चे के फेवर में हो आप इंस्टीट्यूट को गाली दो तो बच्चे हो जाते हैं फ़ैन अगर इंस्टीट्यूट के फेवर में हो गए तो क्या हो जाएगा बच्चे हो जाएंगे गालियाँ देने लग जाएंगे तो मेरे को दिक्कत ये था क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट से कुछ करेक्शन कराने थे ठीक है इंस्टीट्यूट से मैंने मिला था मतलब वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सब मिल ही बात करते थे अब मैं वहाँ पर बोला भी था कि आपकी वीडियो निगेटिव नहीं आनी चाहिए मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूट में जिसको करेक्शन करना है मैं उनके सामने जाके यही प्रपोजल रख रहा हूँ और अगर गलती से मेरे वीडियो में उसके अगेंस्ट कुछ आ जाएगा तो मेरा सुनना भी नहीं चाहेगा उसने बोल भी दिया था इसीलिए था तो मैंने बोला कोई बात नहीं बच्चे से सुन लेंगे लेकिन करेक्शन हो जाए वो करेक्शन ऑलमोस्ट फाइनल लेवल पे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे वो प्रॉब्लम आप लोगों तक नहीं आएंगे क्योंकि स्टडी मैट में करेक्शन कर रहे हैं क्या हुआ था मैं थोड़ा सा मैं पाँच मिनट और ख़राब करता हूँ आपका इसको ख़राबी करना बोलते हैं क्योंकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसको अभी ख़राब कर लेते हैं मे 2022 में एक क्वेश्चन आया था कुछ फाइनल लेवल में ये आरटीपी के क्वेश्चन थे इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट ने अपने आरटीपी को थ्री टाइम्स ऑलरेडी चेंज कर चुका था अपने सॉल्यूशन मिस्टेक्स मिस्टेक्स को करेक्शन करते जा रहे करेक्शन करते जा रहे लेकिन जो इसकी लेटेस्ट सॉल्यूशन थे ना उसके बावजूद भी इसमें मिस्टेक थे और मिस्टेक बहुत छोटा सा टाइम वैल्यू के मिस्टेक ये आप समझ सकते हो आपको पता है मैं बता दूँ कभी भी इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे जैसे होम लोन कोई लेते हैं होम लोन पे आज अगर इंटरेस्ट लेने जाओगे तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन मिलता है मैं आपको टाइम वैल्यू में बताऊंगा ये सारा चीज़ मैं जो भी डिस्कशन करूंगा वो सारे आपके काम की है हाँ ये दूसरी बात है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक चला जाता है लेकिन कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है मेरे पढ़ाने का स्टाइल धीरे धीरे आठ दस दिन में पता चलेगा कि मैं किस लेवल से पढ़ाता हूँ आज अगर यूट्यूब पे देखोगे तो मोर देन वन थाउजेंड कमेंट एक ही मिलेगा आपको कास्ट सर पहले मिल जाते मेरे यूट्यूब के वीडियो में रिविजन वीडियोज़ वगैरह में वन थाउजेंड से ज़्यादा कमेंट एक ही मिलेगा क्या कास्ट सर आप पहले मिल जाते ठीक है तो इसीलिए आप टेंशन मत लो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम थोड़ा सा बहुत स्लो चल रहे सिलेबस कम्प्लीट होगा नहीं होगा सब हो जाएगा होम लोन कभी कोई लेते हैं ना तो फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं इतना पता है आप लोगों को क्या बात है बहुत इंटेलिजेंट आप लोग तो कैसे पता है फाइनल वाले को तो पता ही नहीं होता है? अच्छा ओके फ्लोटिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आर अपना रेट चेंज करेंगे ना रेपो या रिवर्स, रिवर्स रेपो वैसे वैसे बैंक क्या करता है अपना रेट बदल लेते हैं अब वो इंटरेस्ट रेट का बेंच कुछ भी हो सकता है कोई एम सी एल आर रखते कोई बेस रेट रखते हैं कुछ भी रखते हैं उससे मतलब नहीं है वो बेस रेट चेंज हो जाता है तो आपके भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा इसमें चेंज हो जाएगा और ज़्यादातर देखना जब आर बी आई रेट बढ़ाते हैं ना तो आपकी लोन रेट बढ़ जाता है और जब आर बी आई घटाएगा ना इधर लोन रेट ये जब प्राइवेट वाले सब है ना वो कम नहीं करता है वो रखे रहेंगे जब तक एक दो बार जाके उसको बोलो कि भाई साहब उधर तो कम हो गया तुमने अभी तक कम नहीं किया अच्छा कर रहे अभी अप्रूवल आया नहीं है ये वो करते रहेंगे क्योंकि मैंने बजाज फाइनेंस से भी लिया हुआ है फिर बाद में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था पी में पी वाले समय में वो दिक्कत नहीं जैसे उधर आर कम करेंगे इधर भी कम हो जाएगा उसमें क्या होता है पता है अगर जैसे मान लीजिए मंथली इंस्टॉलमेंट देते हो एक महीने बाद यहाँ की इंस्टॉलमेंट जो आपको देनी है ना उसकी इंटरेस्ट यहाँ फ़ाइनल होती है एक महीने पहले आपको रेट यहाँ फ़ाइनल हो जाएगा यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा और इस बीच में अगर चेंज होगा वो इलीवेंट होता है इतना पता है नहीं पता है तो सुन लो ये आपके खैर आपके सिलेबस में तो नहीं है इंटरेस्ट रेट चेंज वाले हैं लेकिन इतना डेफ्थ नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ आपको समझ में आएगा और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट फाइनल होगी ना उसके इंस्टॉलमेंट यहाँ निकाला जाता है ठीक है ये जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ ऐसा ही सीन बनता है ये कैप्स कैप्सोड कॉर्ड के ऐसे केस में इंस्टीट्यूट की मिस्टेक क्या थी अपने वो यहाँ के रेट से यहीं की इंटरेस्ट निकालते थे वो इसकी मिस्टेक थी फाइनल सॉल्यूशन में भी बात समझ में आई कुछ नहीं आया फिर से रिपीट कर रहा हूं जानना बहुत जरूरी है इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो मान लीजिए यहां पे इंटरेस्ट रेट है दस परसेंट हो गए तो जो यहां के ये रेट है ये रेट जो फाइनल हुई ना इससे यहां के इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा ठीक है अब मान लीजिए जनवरी मंथ है तो जनवरी में कितना डेज होगा थर्टी डेज ठीक है थर्टी वन डेज अब अगला क्या आएगा बताइए फेबर तो जो यहाँ के इंटरेस्ट रेट होंगे मान लीजिए यहाँ पे नाइन परसेंट हो गया तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी ठीक है कितना दिन आएगा 28 अब इसमें ट्वेंटी एट डेज अब यहाँ क्या था इंस्टीट्यूट की जो पहले पुराने सोल्यूशन में क्या थे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और ये डेज काउंटर कर रहा है जबकि इस इंटरेस्ट रेट से अट्ठाईस दिन की इंटरेस्ट निकलनी चाहिए बात समझ में आई आप लोग को अब इस इंटरेस्ट रेट से 28 डेज का इंटरेस्ट निकलना चाहिए इंस्टीट्यूट के जो पुराने सॉल्यूशन थे उसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया था इस रेट से 31 डेज कैलकुलेट काउंटिंग करके उसने इंटरेस्ट निकाला था किसमें उनके लेटेस्ट में ये मिस्टेक था मिस्टेक उसका क्या था कि भाई ये उसका मिस्टेक था उसने थर्टी डेज का इंटरेस्ट निकाला था जबकि उसका होना कितने दिन का चाहिए था ट्वेंटी डेज का ये क्वेश्चन आया कब मई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में सजेस्टेड ने क्या किया सजेस्टेड ने सारे सॉल्यूशन अपना पुराने बदल दिए और इंस्टीट्यूट ने बोला कि नहीं ये सही है कितने दिन वाले अट्ठाईस दिन वाले तो ये सॉल्यूशन आए सजेस्टेड में ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग इसकी वजह से बहुत बड़ा हंगामा हुआ था आप लोग उस हंगामा के पार्ट अभी नहीं होंगे इतना हंगामा की इमेजिन तक नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट तक केस गई है ये वाले इसकी वजह से इसीलिए मैं ये चीजों को मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको तो ये जो मिस्टेक हुई है लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं जजमेंट नहीं दिया बच्चे के फेवर में कहता है इंस्टीट्यूट जो कर रहे हैं वो सही है बहुत पावरफुल है आई बहुत पावरफुल है याद रखना आप लोग कोई नहीं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है आई सी आई को ऐसे समझ जाओ आप ये था उसका आर टी पी का मिस्टेक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा आप लोगों को बात ठीक है सजेस्टेड ने क्या किया 28 दिन काउंटिंग करके सॉल्व कर दिए बच्चों ने एग्जाम में क्या किया होगा बताना उसने तो बोला भाई आईसीआई का सॉल्यूशन है हम तो थर्टी वन डेज काउंट करेंगे देंगे दे दिया सबने और वो इतने बड़े क्वेश्चन थे इमेजिन नहीं कर सकते किसी भी बच्चे का वो क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो ठीक है इतने सारे डेज काउंटिंग थे ना चार साल के डेज काउंटिंग थे छ छे, -छे महीने का वन एटी टू डेज वन फिर उसमें लीप ईयर भी आया हुआ था थ्री सिक्सटी डेज काउंटिंग कर करके और करोड़ों का अमाउंट था इंटरेस्ट निकालना था एक भी बच्चे को एक मार्क्स नहीं दिया अब बात समझ में आई आपको सोल्यूशन किसकी थी आईसीआई का भाई आपकी मिस्टेक मैंने दिया एग्जाम में लेकिन सजेस्टेड ने क्या किया सजेस्टेड ने करेक्ट वाले सोल्यूशन दिए एक को भी मार्क्स नहीं दिया इसी की वजह से सब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे पिटिशन गए थे वहां तक आपके सोल्यूशन आप कैसे मार्क्स नहीं दोगे मुझे ठीक है आप उसको भी मार्क्स दो इसको भी मार्क्स दो बस यही प्रॉब्लम अभी मई चौबीस में फिर से शुरू हुई थी अभी वाले में यही प्रॉब्लम एग्जैक्टली exactly यही डेट काउंटिंग मई चौबीस में, में दोबारा आया इस बार आया था यही जो अभी मैं बोल रहा था कि वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन फिर से आया था और पुराने में भी ऐसे ही था ठीक है अब बच्चे क्या करें मैंने उनको बोला था अप्रोप्रिएट सोल्यूशन देना तो अब इस बार हंगामा ज्यादा इसलिए नहीं हुआ अभी तक तो सर्टिफाइड कॉपी आया भी नहीं किसी का हाँ जिसका जो नाइनटी था ये हमारे जो हमारा हाईएस्ट एस इस बार का नाइनटी थ्री है फाइनल में तो उससे पूछा कि आपने क्या किया था वो कहते मेरे वाले किया था यानी कि ये वाले इधर सेम क्वेश्चन नहीं था वो वो सेम क्वेश्चन नहीं है सिमिलर क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से सिचुएशन वही है ये भी डिस्प्यूट है वही था पुराना डिस्प्यूट था तो बच्चे बोल रहा है कि हमने ये वाले किया हुआ था जबकि अभी भी इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन में यही था ठीक है तो देखना इस पर मैंने वीडियो भी जो बनाया था मैंने बोला था कि दोनों सॉल्यूशन दे के आना चाहिए था स्टूडेंट को लेकिन उनका कहना है कि मुझे मार्क्स मिला है और ये चीज़ का रिकमेंडेशन सारे बच्चों ने पहले भी दे दिया था सब जब आते ना एग्जाम से आप आते हो तो आप एक मेल करते हो कि बताओ क्या दिक्कत है और सारा चीज़ तो उसमें तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में अप्रोप्रिएट सोल्यूसन देना है आई के पहले सोल्यूसन क्या है नहीं है उसके पीछे नहीं भागना है और जो फाइनल में दो तीन बार फेल हो गया उसका कभी सुनना मत आप जो तो फाइनल में अगर कोई दोस्त है दो तीन बार फेल हो रखा है कुछ भी बोले कान बंद कर लेना मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के चलना आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता समझ में आ गया ठीक है चलो ये पाँच दस मिनट का वेस्टेज को अब रिकवर करते हैं हम लोग इधर बेसिक डिफेंस इंटरवल देखिए क्या कहता है ये कहते हैं अच्छा हम तो कहीं भटक गए थे ना कॉस्ट से गए थे हाँ जी ये जो कॉस्टिंग है ये कॉस्टिंग हम नॉर्मली गुड्स पे नहीं डालेंगे ठीक है और एक आपका कौन सी खर्चा है बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर आपको पता है इस खर्चे के अंदर डिप्रसेसन भी है ठीक है बेसिक डिफेंस सेंटर में हम लोग करने क्या करने क्या जा रहे बताइए पांच चौवालीस अभी कितना हो रहा है फाइव जी कुछ कह रहे बफरिंग जी इन लोगों का प्रॉब्लम आप लोग नहीं रीड करते उधर आप आपके पास भी आता है ना बफर बफरिंग ठीक कर दिया इन लोगों का चलो फिर ठीक है मैं क्या कह रहा था अभी ये जो बेसिक डिफेंस इंटरवल जो हम लोग निकाल रहे हैं ये कर क्या रहे हैं अगर आज सडनली लॉकडाउन हो जाए तो बिजनेस तब भी तो रन करना पड़ेगा रेंट तो आपका नहीं बचने वाला है स्टाफ जो रखा है वो तो नहीं बचने वाला है तो आप कितने दिन बिजनेस को रन कर सकते हो वो जो टाइम फ्रेम है टाइम पीरियड है वो कौन बताता है बेसिक डिफेंस इंटरवल तो जब बिजनेस जो रन करना है तो उसमें तो कैश एक्सपेंडिचर ही आएगा बोलो सेल बंद हो गई है बहुत बार होता है सेल बंद हो जाता है प्रोडक्शन बंद कर सकते हो क्या प्रोडक्शन बंद कर सकते हो कम कर सकते हो पूरा स्टॉप नहीं कर पाओगे कम कर लो रिक्वायरमेंट कम है डिमांड कम है कम कर लो लेकिन कुछ चीज ऐसे आपके प्रोसेस में होती है हो, कि उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हो आपको पता है पता है कि क्रूड ऑयल की प्राइस कभी निगेटिव भी गया है नहीं। नहीं पता है पता होना चाहिए अप्रैल 2020 थाउजेंड ट्वेंटी क्रूड ऑयल की प्राइस निगेटिव कितना निगेटिव जा सकता है ये लो, मैं लिख देता हूँ अप्रैल 2022 में अच्छा निगेटिव नहीं लिखा कितना निगेटिव जा सकता है इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप लोग सोचो ये देखो नहीं आया मैंने क्या लिखा एक सेकेंड निगेटिव क्रूड ऑयल प्राइस इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी ये रहा लोएस्ट क्रूड ऑयल प्राइस कितना दिख रहा है निगेटिव थर्टी सेवन डॉलर कितने चल रहा है जी एक डॉलर का रेट एटी टू के अराउंड एटी नहीं होगा एटी से ऊपर ही है पिछले सिक्स मंथ से एटी टू से ऊपर ही है मोटा मोटा कितना हो गया थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई एक दिन के लिए हुआ ये सब मल्टीप्लाई बाई एटी टू कितना अप्रोक्सीमेटली थ्री थाउजेंड कोई इसको इंटरप्रेट करना है इस प्राइस को क्रूड ऑयल की प्राइस मान लो थोड़ा इसको पेट्रोल से लिंक कर लो ठीक है निगेटिव प्राइस आज हो जाता है पेट्रोल की प्राइस निगेटिव फिफ्टी रुपीज पर लीटर अब बताओ पेट्रोल भी डालेंगे और पैसे भी लेंगे यही सिचुएशन थे हालत खरा इसमें ब्रोक, ब्रोकिंग बिजनेस इतने बड़े रिस्क में आए थे कि आप इसका बड़ा सा आर्टिकल भी है मेरे पास जो उसने भेजा हुआ था ब्रोकर लोगों ने कौन कौन ब्रोकर सबसे ज्यादा इसमें फंसे बोलोगे ब्रोकर कैसे फंसेगा लंबा कहानी है अब उसमें जाने की जरूरत नहीं बस इतना समझ जाओ नहीं छोड़ो आप वो सब उतना गहराई में नहीं जाना है जब उस चीज़ों में पहुँचोगे खास करके सब डेरीवेटिव का लिंकेज है ये सारे खेल किसके हैं डेरीवेटिव के तो उतना गहराई में नहीं जाना है हमें बस इतना समझ लो कि इस चीज़ों का मतलब ये हो जाता है बस इसका मतलब डिवीज़न दे, दे देता हूँ मैं जो लोगों ने लॉजिक दिया था क्रूडल दो तरह का होता है एक जो समंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक ज़मीन से करते हैं तो दो तरह का एक होता है एक ब्रेंड क्रूड ऑयल बोलते हैं एक डब्लू बोलते हैं दो तरह का क्रूड ऑयल है तो ये यू वाले जो ज़मीन से निकालने वाले क्रूड ऑयल थे ये वाले थे अब कह रहे लॉकडाउन में कंजम्शन खत स्टॉप ही हो गई पूरे इनकी प्रोडक्शन स्टॉप कर नहीं पाए स्टोरेज की इसकी दिक्कत है अब स्टोर करने की इसके पास कैपेसिटी नहीं है अब क्या करेगा बताओ तो कहते हैं भाई तू सामान भी लेके जा एक तरीके से डिस्पोजल कॉस्ट है ये बहुत बार होते हैं ना देखते हो कोई सामान जब होते तो भाई तू सामान भी लेके जा पैसे भी लेके जाए एक डिस्पोजल कॉस्ट हो गया ना उसके लिए तो यही था कि क्रूडल की रिमूवल कॉस्ट है ऐसे समझ के चलिए यानी कि ये क्यों हुआ मैं मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि बहुत बार अगर हमारा सेल बंद भी हो जाता है डिमांड ज़ीरो भी हो जाता है तब भी बहुत बार हम प्रोडक्शन नहीं रोक पाते हैं ये मजबूरी बन जाता है बस ये एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको लिंक किया था तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल हमारा सेल बंद हो गया लॉकडाउन हो गए लेकिन हो सकता है हमारा कुछ प्रोडक्शन वगैरह बंद नहीं कर पाएंगे आप देखते हो स्कूल बंद होते छुट्टी होते समर समेसन फिर भी हमें फी देने होते क्यों उसकी बस ड्राइवर होंगे उसके टीचर है क्या उनको निकाल पाते नहीं तो कहते कुछ खर्चा हमारा आएगा ही आएगा तो आप मुझे बताइए ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही तो था ना ये तो इसमें जो खर्चे हैं इसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बंद नहीं सेव कर पाएगा तो आप मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने कुछ फैक्ट्री ओवर रखा हुआ है ध्यान से सुनते रहिएगा इसमें कुछ एडमिन ओवर है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है इस सारे खर्चे के अंदर एक ऐसा खर्चा है जो आपको अभी पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है लेकिन एक्सपेंस है जैसे डिप्रेसन है डिप्रेशन समझते हैं हाँ जी तो ये डिप्रेशन क्या फैक्ट्री ओवर में होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवर में भी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर में भी है नॉर्मली इसमें नहीं होते इन दोनों में होता है मुझे बताइए इसमें कौन सी डिप्रेशन होता होगा मशीन का इसमें कौन सी डिप्रेशन होता होगा मान लीजिए ऐसा हाँ फर्नीचर कह सकते हो मान लीजिए वो ए जो ऑफिस में यूज़ हो रही है उसकी जो डिप्रेशन वो हो सारे होंगे तो कहते देखिए मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड जो है ये है सपोज़ कीजिए फाइव थाउजेंड की तो कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड जो फाइव थाउजेंड है तो आपकी अगर मान लीजिए आज के रेट पे सेल बंद हो जाता है लॉकडाउन हो जाते हैं आपकी डिमांड ज़ीरो हो जाती है तो क्या जब बिजनेस रन करना है तो क्या ये डिप्रेशन किसी को पे करना है क्या नहीं पे करना है तो क्या पे करना होगा हमें लेबर जो होगा उस लेबर का पे करना होगा तो यहाँ क्या बोला गया बेसिक डिफेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट लेना है क्या लेना है ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट था इस ऑपरेटिंग में कैश कॉस्ट लेना यानी कि डिप्रेशन को क्या कर देना है आपको हटा देना है तो इन सारे खर्चे में से डिप्रेशन हटा दो तो वो खर्चा है जो कैश में करना है अब आप चेक करो कि हमारे पास कैश कितना है उससे देखो कितना दिन आपका बिजनेस चल जाएगा तो इतना बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉस्ट ऑफ शोल्ड लेना है फिर सेलिंग अलग सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को इसने मर्ज कर रखा है जो जो अलग अलग हेड है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस यानी कि सारा उसने कंसीडर कर लिया और माइनस कर दिया डेप्रेशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर मैं आपको बता दूं अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर कभी कुछ आपको देखने को मिलेगा ही नहीं सिर्फ कौन सी मिलेगा डेप्रेशन मिलेगा ठीक है यहाँ तक ओके okay. तो अब इसमें आ जाइए कैसे निकालेंगे बेसिक डिफेंस इंटरवल अब मुझे बताइए बिजनेस कितने दिन चलेगा ये टाइम फ्रेम को बताता है ये क्या बताता है बताइए टाइम फ्रेम तो क्या हम ये बोल सकते हैं हमारे पास जितना कैश एंड बैंक बैलेंस है और मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी ना वो उसी में रखा गया है किसमें जो आपके मार्केटेबल सिक्योरिटी है या आप चाहो तो सीधा एसेट्स भी बोल सकते हो क्विकट्स है कितना हमारा इसको दो तरीके से कंसीडर करते हैं या तो सीधा क्विकट्स ले लेते हैं या फिर वो एसेट्स के थ्रू जाइए ज़्यादा बेटर है सीधा ले लो आप एसेट्स सिर्फ कैश वाले पोर्शन ले रहे हैं और एक ओपिनियन में उसने क्या बोला कि क्विक असेट्स ले लो जो हमारा डेटर है उससे भी तो पैसे आ ही जाएगा मान लीजिए हमारा बिजनेस बंद भी हो गया है तो डेटर तो पेमेंट करेगा ही ना उसके तो पैसे आएगा उससे भी तो बिजनेस हम कुछ दिन रन करेंगे तो उसको भी कंसिडर कराए तो सीधा क्विक असेट्स वाले जो पोर्सन है ज़्यादा बेटर है तो आप ले लो इसमें क्विक असेट्स जितना है हमारा वो कितने दिन चलेगा तो इसमें ले लीजिए डेली डेली कैश एक्सपेंसेस, ठीक है कौन सी वाले कैश एक्सपेंसेस है ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस, एक दिन का कितना खर्चा है और हमारे पास कितना असेट्स है जिससे हम पे कर सकते हैं तो इससे क्या आएगा बताइए एक तरीके से टाइम इंटरवल है ये नंबर ऑफ डेज है ये This ratio measures time period. For which business can run if sales stops? अगर किसी बिजनेस में सेल अगर बंद हो जाता है तो हमारा कितने दिन चलेगा इस चीज़ों का टाइम फ्रेम ये मेजर करती इसको इंटरवल मेजर भी बोलते हैं ये चार जो रेशियो है आपका किसके अंदर आ जाएगा ये आपका लिक्विडिटी में वैसे इंस्टीट्यूट ने इसमें नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो भी निकाला है हम इसको नहीं निकालते अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है लीवरेज एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अब्लीक लीवरेज रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वी रेशियो अब्लिक लीवरेज रेशियो अब इसके अंदर क्या होता है देखिए जितने भी हम लोगों ने बैलेंस शीट में जो पढ़ा था इसको पहले याद कर लीजिए देन हम लोग इसको लिखेंगे बैलेंस शीट फंड कहाँ कहाँ से रही थी इक्विटी प्रेफरेंस डेट से नॉन करेंट असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल में हमने लगा दिया था फिलहाल हमारा सारे के सारे रेशियो इस तीनों पे डिपेंडेंट है पे इस तीनों पे एक तो इन तीनों के लगाए हुए पैसे का रेशियो निकालेंगे और एक जो है कंपनी इन लोगों के जो पेमेंट है उस पेमेंट का रेशियो निकालते हैं जैसे इक्विटी होल्डर ने पैसे लगाया तो इक्विटी होल्डर की जो क्लेम है वो क्लेम को पे करने के लिए कंपनी कितना सक्षम है वो एक रेशियो निकालेंगे एक हमारा प्रेफरेंस होल्डर है उसने जो कैश दे रखा है उसको पे करने के लिए कंपनी कितना सक्षम है या नहीं है वो एक रेशियो निकालेंगे और फिर जो हमारा डेट होल्डर है उसके लिए निकालेंगे यानी कि इस पूरे कैटेगरी में इसको भी दो कार पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे एक कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो कि किसने कितने पैसे लगाया हुआ है और एक होता है कवरेज रेशियो जो कि यह बताते हैं कि जो इन्वेस्टर का क्लेम है जो इन्वेस्टर का क्लेम है क्लेम मतलब जिसको उनको जो पैसे चाहिए इक्विटी होल्डर का क्लेम क्या है डिविडेंड। प्रेफरेंस होल्डर का क्लेम क्या है डिविडेंड। डेट होल्डर का क्लेम क्या है इंटरेस्ट भी हो सकता है इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है जैसे ये डिवेंचर होगा तो डिवेंचर पे कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करती है और लास्ट में जाके प्रिंसिपल भी पे करते हैं अगर यही चीज़ अगर लोन होगा तो हर महीने दोनों चीज जाएगा डिवेंचर में और लोन में एक और थोड़ा सा डिफरेंस है याद रखना जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था डिवेंचर पे कंपनी क्या पे करता है सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं पूरे लाइफ में और जितने भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो लाइफ के एंड में रिपेमेंट होता है जबकि लोन के अंदर क्या होता है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट यानी कि जो प्रिंसिपल दोनों हर महीने पेमेंट होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेट की क्लेम है वो दो हो सकता है अगर डिवेंचर वाले पोर्शन है तो इंटरेस्ट हो सकता है नहीं तो फिर इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं यानी कि टोटल चार कवरेज रेशियो भी निकालना है तो इस कैटेगरी इस कैटेगरी को हम लोग कितने पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे दो सब कैटेगरी कौन कौन सी एक तो किसने कितने पैसे लगाया उसकी रेशियो देखेंगे ताकि रिस्क अनालाइज करें हमने बताया था कि डेट ज्यादा है तो अच्छा या बुरा डेट ज्यादा है तो अच्छा या बुरा डिपेंड करता है गुड यही होना चाहिए कभी ये नहीं बोलना है कि अच्छा या बुरा हम एक लाइन बोलेंगे डेट है तो बिजनेस रिस्की है रिस्की जरूर है लेकिन रिस्क है तो रिस्क है एक चीज बताओ रिस्क लेना है तभी तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा अभी रिस्क नहीं ले रहे हो अभी भी तो रिस्क ले रहे हो अभी जो आप इस कोर्स में आए हो रिस्क नहीं लियो बताओ बहुत सारे लोग ऐसे हैं फोर्टी परसेंट लोग फाइनल में छोड़ देते हैं इसका मतलब फोर्टी परसेंट अगर फाइनल क्वालिफाई एक एक ग्रुप में छोड़ने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे एक ग्रुप कर लेते हैं दूसरे ग्रुप कर ही नहीं पाते इसका मतलब रिस्क तो है भाई तब भी रिस्क लिया क्यों क्योंकि रिस्क है सिंपल सी बात है तो ऐसे समझो कि हम बोलेंगे डेट होना बुरा नहीं बोल सकते ये देखेंगे कि हम कमाते कितना है तो अब यहां पे रिस्क को ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो रेशिया है ये रिस्क एनालिसिस है हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में डेट कितना है हमारे बिजनेस में इक्विटी कितना है हमारे बिजनेस में प्रेफरेंस कितना है हमारे बिजनेस में दोनों फिक्स कॉस्ट वाले कितना है क्योंकि रिस्क सिर्फ डेट तो नहीं क्रिएट करता है रिस्क सिर्फ डिवेंचर क्रिएट करता है सिर्फ लोन क्रिएट करता है प्रेफरेंस भी तो रिस्क क्रिएट कर रहा है बोलो कैसे अगर प्रिफ्रेंस को पेमेंट ज़्यादा हो जाए तो इक्विटी होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा हाँ या ना तो दोनों फिक्स कॉस्ट जो है ना रिस्क जनरेट करता है तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर एक एक करके ध्यान से सुनना पहले हम ये जानेंगे कि इक्विटी कितना है पहले क्या जानेंगे इक्विटी कितना है फिर हम देखेंगे कि इक्विटी में और डेट में क्या रिलेशन है तो एक इक्विटी रेशियो हो गया एक हमारा डेट इक्विटी रेशियो हो गया अब हम ये भी जानते हैं कि हमारा डेट कितना परसेंट है प्रेफरेंस को नॉर्मली इग्नोर करके ही चलते हैं लेकिन होगा तो हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे डेट हमारे बिजनेस में कितना है तो जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि इक्विटी हमारा 500 था प्रेफरेंस हमारा 100 था डेट कितना था 400 तो आप मुझे बताइए ये हमारा वन हो गया मैं आपसे पूछू कि हमारे बिजनेस में इक्विटी कितना है क्या बोलोगे परसेंटेज में बात होती है सिक्स हंड्रेड कैसे बोलोगे इक्विटी इक्विटी तो फाइव हंड्रेड ही है अब बोला जाए इक्विटी का रेशियो बताइए तो इक्विटी का रेशियो कितना फिफ्टी परसेंट बस हो गया इक्विटी रेशियो आ गया बताओ कुछ आई नहीं इक्विटी रेशियो अगर बोले इसका क्या मतलब है भाई हमारे बिजनेस में इक्विटी कितना परसेंट है क्योंकि परसेंटेज में कुछ लोग जानना चाहते अमाउंट से कुछ मीनिंग नहीं निकल के आता है अब मैं पूछूं कि बताइए डेट कितना है हमारे में तो डेट रेशियो फोर्टी परसेंट अब ये डेट में ना कुछ पंगे डालते रहते हैं दो ओपिनियन क्रिएट करेगा फिर बोलेगा जी डेट में हमारा अगर शॉर्ट टर्म डेट है तो हम क्या करें शॉर्ट टर्म डेट है तो क्या करें तो अब क्या होगा यहाँ पे कुछ डेट आपका कभी कभी शॉर्ट टर्म वाले भी दे देगा तो बोलेगा शॉर्ट टर्म डेट डेट नहीं है हमारा वो भी तो पेमेंट करना है तो कभी उसको भी डाल देगा अब दिक्कत क्या है ध्यान से सुनो वो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर रेशियो बना रहे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल है लॉन्ग टर्म है तो उसको शॉर्ट टर्म वाले कंसीडर नहीं करना चाहिए तो फिर नोट में लिख देता है कि हाँ हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो कुछ चाहे तो नहीं भी ले सकते कौन तो सी वाले शॉर्ट टर्म हम एक चीज़ समझते देखो अगर इंस्टीट्यूट ने दो ओपिनियन दे रहे हैं तो कोशिश रहेगा दोनों आंसर दे आएंगे अपना काम क्लियर करके चले ना तीस सेकेंड तो लगना नहीं है हम क्यों रिस्क लेके चले भाई दो ओपिनियन है दोनों डाल के देते पढ़ लेते हैं डेट रेशियो में हम दो रेशियो पढ़ेंगे क्या बताइए एक पढ़ेंगे नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म लेंगे और एक हम टोटल डेट बोल देंगे टोटल डेट भी कंसीडर कर लेंगे ठीक है यहाँ तक तो एक हो गया हमारा इक्विटी रेशियो एक हो गया हमारा डेट रेशियो अब एक हो गया दोनों के बीच में डेट इक्विटी रेशियो कितने रेशियो हो गए याद करना है हाँ करना ही पड़ेगा अभी आपको नहीं लगा लेकिन लास्ट में मैं सारे के सारे सीरीज में आपसे पूछते चलूंगा कि कितने रेशियो पढ़ा लिक्विडिटी में हमने चार पढ़ लिया करेंट क्विक कैश बेसिक डिफेंस इंटरवल ठीक है अब हम जब इसमें चल रहे हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर और कवरेज दो रेशियो कैटेगरी हम बांट दिए किसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दो कैटेगरी में बांटा कौन कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब बनावट कैपिटल की क्या बनावट है उनकी रेशियो लेंगे और एक रेशियो कौन सी कवरेज कवरेज का मतलब क्या है इनकी क्लेम को इसके इनकम कितना कवर करता है यह खास करके इन्वेस्टर निकालता है कवरेज रेशियो चलते कवरेज रेशियो के बाद में तो एक हो गया हमारा इक्विटी रेशियो एक हो गया डेट रेशियो एक क्या हो गया डेट इक्विटी रेशियो मैंने लास्ट फर्स्ट क्लास में भी बोला था आपको जब भी कभी कोई रेशियो आए तो पहला जो आपका टर्म्स आएंगे उसको आपको न्यूमिरेटरी में रखना है तो डेट इक्विटी रेशियो में डेट आपका न्यूमिनेटर में जाएगा और इक्विटी जाएगा आपका डिनोमिनेटर में तो हमारे केस में डेट इक्विटी रेशियो कितना आएगा डेट कितना था 400। हंड्रेड इक्विटी कितना 500। कितना हुआ पॉइंट एट जीरो आप चाहो तो 80 परसेंट बोलो चाहो तो पॉइंट एट बोलो ठीक है यहाँ तक तो अब ये तीन रेशियो हो गया हमारा अब क्या करने जा रहे ध्यान से सुनिए अब हम एक इन दोनों का इक्विटी के साथ निकालते हैं। एक किसके साथ कंपेयर करें इक्विटी के साथ क्योंकि इक्विटी के लिए जो रिस्क है ना सिर्फ डेट से नहीं है डेट और प्रेफरेंस दोनों से बार बार मैं रिस्क बोल रहा हूं समझ आ रहा है ना क्योंकि इन दोनों के आने की वजह से इसकी कमाई या तो बहुत ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा नीचे जाएगा ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएसन क्रिएट करेगा कौन ये दोनों अब चाहो तो एक एग्जाम्पल फिर से फ्रेम कर लो आप इधर से कमा के लाओ ट्वेंटी परसेंट अगले बार इधर से कमा के लाओ 5 परसेंट देखना ये लॉस में पहुंच जाएगा समझ में आए कुछ बात तो जब ये लॉस में जा रहा है तो किसकी वजह से लॉस में गया डेट की वजह से या दोनों डेट और प्रेफरेंस की वजह से दोनों क्यों क्योंकि हमने जब कम कमा के लाया तो इनको दोनों को पेमेंट करने में ही ख़त्म हो गए इसको में क्या हो गया बताइए रिस्क आ गया मान लीजिए जैसे इस क्लासरूम में एक मिठाई के पैकेट आते हैं हमने बोल दिया कि छोटे बच्चे पहले इनको मिलेंगे इनसे बचेंगे तो आप लोगों को मिलेगा देखना कुछ लोग उठ के इधर आ जाएंगे <laughs> <laughs> क्यों बताओ मुझे पहले चाहिए क्यों उनको लगा कि रिस्क है मान लीजिए मिठाई के पैकेट छोटा हो जाए सब यही खत्म हो जाएंगे उनको मिलेगा ही नहीं लेकिन इधर अगर मिलेगा ना तो फिक्स्ड मिलेगा मान लीजिए मिठाई की पैकेट बहुत बड़ा आ जाए अब क्या होगा देखना नहीं इधर वाले को ज़्यादा मिलना नहीं है इधर फिक्स है सबको एक एक पीस सबको दो दो पीस इससे ज़्यादा नहीं फिर इधर वाले खुश हो जाएंगे क्या बताओ अरे इनसे तो सरप्लस जो भी बचेगा सारा किसका हमारा इसका मतलब आपके यहाँ होने से ये हमेशा रिस्क फील करेगा हमेशा सोचेगा मिठाई की डब्बा कितना बड़ा है बहुत बड़े आए ताकि हमारे को कुछ मिले तो हम कह रहे कि हमारे रिस्क जनरेट करने वाले सिर्फ डेट नहीं है डेट और प्रेफरेंस दोनों है और रिस्क लगाना यहां पे कहते हैं गियर लगाना बिजनेस में बिजनेस में गियर लग गया मतलब बिजनेस में रिस्क आ गया इसको बोलते हैं गियरिंग रेशियो कौन सी रेशियो गियरिंग रेशियो तो गियरिंग रेशियो में क्या लेंगे हम लोग हम लोग पहले सुनते जा रहे हैं फिर एक बार मैं बुक का रीड करा दूंगा फिर मैं नोटिंग करा दूंगा तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा बस काफी है गियरिंग रेशियो में कौन आएगा देखो ध्यान से डेट इक्विटी रेशियो और गियरिंग रेशियो दोनों एक ही है डेट इक्विटी ये कह रहा है कि देखो एटी परसेंट डेट है किसके रेस्पेक्ट में इक्विटी के रेस्पेक्ट में जबकि वो कितना परसेंट था पहले फोर्टी परसेंट जबकि डेट देखो आप कितना था पहले ध्यान से देखो डेट था 40 परसेंट यानी कि हमारे बिजनेस में हमने डेट से 40 परसेंट फंड रेज किया था अब इसमें किसी को डाउट है कैसे निकाला 1000 के कैपिटल में डेट कितना तो 400 सौ तो फोर हंड्रेड डिवाइडेड मैंने डेट रेशियो में बोला कि दो रेशियो निकालेंगे कभी अगर शॉर्ट टर्म मिलेगा तो उसको भी डाल देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो डेट हमारा फोर्टी है डेट इक्विटी एटी है ये क्या मतलब है यानी कि इक्विटी के रेस्पेक्ट में डेट एटी परसेंट है अब ये गियरिंग रेशियो क्या कह रहे, कह रहे कि देखो, ये जैसे ये निकाला था ना डेट इक्विटी रेशियो वही रेशियो ये भी है ठीक है डेट इक्विटी रेशियो और गियरिंग रेशियो दोनों एक ही है बस इसके अंदर दोनों है कौन डेट और प्रेफरेंस दोनों ये टोटल रिस्क को बता रहा है ये सिर्फ डेट वाले को तो कैसे निकालेंगे बताइए डेट भी लेंगे प्रेफरेंस भी लेंगे किसके रेस्पेक्ट में इक्विटी के रेस्पेक्ट में कौन सी रेशियो बोलेंगे इसको गियरिंग रेशियो या कैपिटल गियरिंग रेशियो जो बोलो चलेगा अब ये डेट कितना था हमारे लिए 400 ये कितना था 100 कितने के रिस्पेक्ट में 500 कितना आ वन हंड्रेड परसेंट नॉर्मली नहीं बोलेगा वो नहीं बोलेगा हंड्रेड परसेंट के ऊपर जाते तो लोग शर्माने लग जाते हैं कोई बात नहीं हम चाहो तो बोल सकते हंड्रेड परसेंट यानी कि जितना इक्विटी उतना डेट एंड प्रेफरेंस तो गियरिंग रेशियो बड़ा होना अच्छा या बुरा सोचो आप थोड़ा थो ध्यान से जब रिस्क की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कम रिस्क तो अच्छा होता है लेकिन आप बोलोगे कम रिस्क क्यों अच्छा होगा हम तो ज्यादा रिस्क लेना चाहेंगे क्लियर ले यहां तक तो डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो ज्यादा रिस्क होना या ना हो अगर कोई पूछे ज्यादा रिस्क अच्छा या लो रिस्क अच्छा तो आप तो बोलोगे लो रिस्क ही अच्छा जब अगर कोई पूछे ऐसे तो बाकी बोलेगे लोग है क्या ज्यादा रिस्क या कम भाई वो तो डिपेंड करता है ना कि फ्यूचर में हमारा कितना उधर से रिटर्न आने वाला है हमें डिसीजन लेना है क्या लेंगे हम देखेंगे लेकिन कोई बोलेंगे रिस्क अच्छा कम होना अच्छा या ज्यादा होना अच्छा तो कम ही रिस्क अच्छा होता है ओके okay. तो गियरिंग रेशियो भी रिस्क को बता रहा है डेट इक्विटी रेशियो भी रिस्क को बता रहा है डेट रेशियो इक्विटी रेशियो बस ये बता रहा है कि हमारा कितना कैपिटल में किसका कितना प्रोपोर्शन है ओके okay. अब दो रेशियो और डालते हैं इसमें अब ये जो आपने डेट और प्रिफरेंस जो चेक किया था वो तो इक्विटी के कंपैरिजन में चेक किया ना अब कहते टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में चेक कर लो आप टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में तो उसको बोला गया प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बोला गया प्रोप्राइटरी रेशियो तो कंपनी के टर्म में कंपनी के जो ऑपरेशन है उसमें प्रोप्राइटरी वर्ड जब भी आएगा ना तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों आएगा कुछ बोला मैंने अभी आप कहते हो कि प्रोपराइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं क्या होता है मतलब प्रोपराइटरशिप आप क्वालिफाई करोगे आप अपने सी ए फॉर्म शुरू करोगे प्रोपराइटरशिप फॉर्म शुरू करोगे क्या मतलब है बहुत बार बोर्ड पे लिखे रहते हो समथिंग बिजनेस प्रो और समथिंग का नाम क्या है प्रो का मतलब प्रोपराइटर प्रोपराइटर कौन होता है हाँ जी प्रोपराइटर कौन है इंडिविजुअली अगर कोई बिजनेस करे तो वो इंडिविजुअल पर्सन को प्रोपराइटर बोलते हैं आप मान लीजिए आप कभी बिजनेस शुरू करोगे आप अकेले हो आप अकेले बिजनेस लगाए और आपको लगता है कि मैं अपने नाम से शुरू करूंगा तो वो क्या हो गया बताइए प्रोपराइटरशिप दो लोग मिलकर करेंगे पार्टनरशिप बहुत सारे मिल करें कंपनी बना लिए प्राइवेट और लिमिटेड जो बनाना है लेकिन कंपनी के टर्म में जब प्रोपराइटर वर्ड आते हैं ना तो फिर सिर्फ वो वैसे आना ही नहीं चाहिए था लेकिन जब कंपनी के टर्म में प्रोपराइटर आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा वो प्रेफरेंस और इक्विटी प्रिफरेंस और इक्विटी बिल्कुल सही प्रिफरेंस एंड इक्विटी दोनों को मिला के क्या बोला जाता है प्रोपराइटर ठीक है तो जब प्रोप्राइटरी फंड रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो की बात आएंगे तो हम इन दोनों की रेशियो देखेंगे इन दोनों का ठीक है किसके साथ एसेट्स के साथ तो कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है कहते हैं टोटल असेट्स के कंपैरिजन में हम चेक करते हैं अगर करंट असेट्स होगा तो फिर करंट टोटल तो बढ़ जाएगी ना जैसे हमारे केस में टोटल असेट्स कितना था ग्यारह सौ तो प्रोपर्टी रेशियो जो देखते हैं हम नॉर्मली टोटल असेट्स के कंपेरिजन में ठीक है तो कितने रेशियो हो गया हमारा इक्विटी रेशियो डेट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो गियरिंग रेशियो डेट इक्विटी और गियरिंग जो है वो दोनों एक जैसे है बस इसमें दोनों फिक्स कॉस्ट वाले देखते हैं ये दोनों खास करके इक्विटी के कंपैरिजन में है डेट इक्विटी और गियरिंग को साथ में याद रखो हमेशा डेट इक्विटी सिर्फ डेट के साथ इक्विटी है गियरिंग में डेट प्रेफरेंस दोनों इक्विटी के साथ है और प्रोप्राइटी रेशियो में क्या जाएगा प्रोप्राइटर जब भी बोला जाए तो याद रखना प्रोपराइटर हमेशा कौन होता है मालिक वैसे कंपनी के मालिक कौन होता है इक्विटी तो कहते हैं इक्विटी तो रहेगा ही रहेगा और उसको भी डाल दिया किसको? प्रेफरेंस वाले को तो कंपनी के टर्म में अगर कभी प्रोपराइटर वर्ड आए तो उसमें कौन आएगा इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों तो प्रोप्राइटी रेशियो में क्या करेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लेंगे लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में लेंगे

डेट रेशियो जो था आपका उसको अब वो टोटल एसेट्स के रिस्पेक्ट में भी एक ले लेता है कि चलो डेट को हम टोटल एसेट्स के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं तो ये ये जो डेट बना रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड के रिस्पेक्ट में और ये बना रखा है टोटल एसेट्स के रिस्पेक्ट में जैसे क्या बनता देखो हमारे एग्जाम्पल में क्या था इक्विटी फाइव हंड्रेड प्रिफ्रेंस हंड्रेड डेट था हमारा फोर हंड्रेड और लास्ट में हमने करेंट लाइबिलिटी जो लिया था ना हंड्रेड तो वो मिला के आपके टोटल असर्ट्स कितना जाएगा, जाएगा। 1100 हंड्रेड तो कहते हैं कि जो डेट रेशियो है ना हम दो तरीके से निकालेंगे एक बार निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के रेस्पेक्ट में जो हजार था हमारा ठीक है और हम डेट को एक बार चाहे तो टोटल एसेट्स के रेस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं बार बार कहते रेशियो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसाइड करते हैं रेशियो आप पहले ही पढ़े रेशियो क्या है एक है तो अब जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हम किसी को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप मान लीजिए एफ एम एस एम में लेके आए एटी मार्क्स मान लो अब ये एटी मार्क्स अगर ग्रुप वन के रेस्पेक्ट में देखे तो कुछ और परसेंटेज बनेगा बोथ ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखे कुछ और परसेंटेज दिखेगा और सिर्फ अपने पेपर के रेस्पेक्ट में चेक करें तो ठीक है हंड्रेड में से हमें कितना आ गए एटी तो हम बोलेंगे एटी एटी परसेंट आ गए तो मैं कहता हूँ ये तो आपका अपने पेपर में एटी परसेंट है ना ग्रुप वन के रेस्पेक्ट में कुछ और अब बोलो ग्रुप वन के रेस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हो भाई मेरा मर्जी है हम जानना चाह रहे हैं तो रेशियो में हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या रेशियो होगा वो डिपेंड करता है जो ऑनलाइज कर रहा है वो अपना सोचे अपना तो हम सारा चीज़ पढ़ लेंगे जो इंस्टीट्यूट बोल के देगा क्वेश्चन के अंदर वो हम करेंगे अब ध्यान से देखो यहां पे अगर टू टोटल एसेट्स है तब तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं ना सोच के देखना आप यहां पे क्या इस रेशियो को याद करने की जरूरत है आपको सोच के देखो ये रेशियो तो नाम खुद ही बता रहा है कि हमें बेस में क्या लेना है बताइए टोटल एसेट तो मैं तो इसको गायब भी कर दूं सीन से तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब अगर डेट इक्विटी रेशियो पूछता है आपसे या सिर्फ डेट रेशियो पूछता है तब कंफ्यूजन है कैसे डेट रेशियो डेट तो लेना है समझ आ गया किसके रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में क्या रखूं जब कोई चीज साइलेंट होगा तब हमें दिमाग लगाना है जब साइलेंट है तो दिमाग लगाना ही नहीं है तो हम तो कहते ये रेशियो याद भी मत करो आप कोई दिक्कत ही नहीं है इसका मतलब अगर डेट रेशियो बोले तो हमें बेस में किसको डालना है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर ही लेके चलो बस एक प्रोपराइटर को थोड़ा सा अलग कर दो आप सिर्फ प्रोपराइटर को अलग कर दो जब प्रोपराइटी रेशियो आएगा तो बेस में क्या लेंगे टोटल ले रखा है मैं आपको बता दूँ पहले जो बुक थे ना इससे पुराने उसमें हजार से ही कंपेयर कर रखा था अब पता नहीं क्या दिमाग घुमा उसने क्या कर दिया टोटल एसेट्स हाँ तो ठीक है हम इतना याद रख लेते हैं हमारे जितने भी कैपिटल स्ट्रक्चर की रेशियो है सारे इसी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ है एक को छोड़ के कौन सी प्रोप्राइटी रेशियो प्रोप्रिटी रेशियो के बेस में कौन सी है टोटल एसेट्स अब देखता हूं कितने लोग बता पा रहे फिर से मुझे याद कराइए देखिए याद करना बहुत जरूरी है क्लास में ही कोशिश करते याद कर ले घर पे जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अगर मैं इक्विटी रेशियो बोलूँ, क्या होगा बताइए तो जल्दी इक्विटी कैपिटल लेंगे इक्विटी लेंगे याद रखना इक्विटी कैपिटल कभी आता ही नहीं है किसी भी रेशियो में रिटर्न रनिंग किसका है किसी और का है क्या मान लीजिए इक्विटी कैपिटल क्या हुआ जो स्टार्टिंग में फेस वैल्यू जो पैसे लगाए गए ठीक है मान लीजिए 500 सौ हो गए कल के डेट में जैसे बिजनेस एक साल पुराना होगा तो इसमें रिटेन डर्निंग आ जाएगा तो रिटेन डर्निंग अगर आ गया कहीं पे हंड्रेड तो मैं इसको क्या बोलूँ इसको जो सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड को क्या बोलूंगा इक्विटी बोलता हूं मैं सीधा ये मेरे टर्म्स में इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही बोलते हैं तो जब भी कभी मैं इक्विटी बोलू तो ये मत समझना कि कैपिटल बोल रहे हो रिटेंडर्निंग रिटेन अर्निंग क्यों अलग हो जाएगा वो उसी का तो है ये किसी और का पैसे है क्या जो आप अलग कर दोगे उसको इसका मतलब जब भी कभी कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए कहीं इंस्टीट्यूट ने कितना भी बड़ा बड़ा लैंग्वेज क्यों ना लिखा हो आप ये समझ के चलो इक्विटी का मतलब इक्विटी के सारे पैसे हाँ अगर लॉस होगा तो माइनस करना पड़ेगा समझ में आ गया आज इंडिया का सबसे बड़ा सबसे महंगा शेयर कौन सी है चलो बहुत सारे लोगों को पता है एम जो है इंडिया के सबसे महंगे शेयर है तो क्या सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू होगा इस कंपनी का यस yes. कौन सी था एम आर एफ एम आर एफ दिक्कत था हाँ जी ये देखो कितने का शेयर है एक शेयर वन लाख थर्टी टू थाउजेंड का शेयर है ठीक है तो फेस वैल्यू कितना है शेयर का दस रुपये तो दस रुपये का शेयर वन लाख थर्टी टू थाउजेंड में कैसे लोग खरीद रहे बेच रहे अरे उसी रिटेन अर्निंग की वजह से या रिटेन अर्निंग किसी और का नहीं इक्विटी का है आप इक्विटी शेयर खरीदने जा रहे हो ना तो रिटर्न के भी पैसे आपको पे करने पड़ेंगे वो किसी और का नहीं है आज अगर कंपनी का मालिक बनोगे तो जितने भी रिटेन किया हुआ पैसा ना आपके हो जाएंगे कितना रिटेन करके बैठा होगा ये देखो कहां जाएंगे बताओ ये थ्री डॉट पे वहां जाएंगे फाइनेंशल्स पे जैसे फाइनेंशल्स पे क्लिक करोगे तो नीचे राइट हैंड साइड में आ जाएगा ठीक है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है आप चले जाओ बैलेंस शीट पे रेशियो रिटेन अर्निंग कितना तो बैलेंस शीट में दिखेगा ना आप देखिए आपके सामने कुछ बैलेंस शीट आ जाएगा आ जा आजा फटाफट हाँ जी ये बैलेंस बैलेंस शीट आ गए देखिए आप कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल फोर ये सी आर है याद रखना जितने भी डेटा है ना यहाँ पे ऊपर में ही लिखा है रुपीज इन करोड़ देख लो आप दिख रहा है सारा ओके okay. कितना रिजर्व एंड सॉरी इक्विटी कैपिटल दिख रहा है फोर करोड़ रिजर्व चार करोड़ की कैपिटल के लिए सोलह हजार करोड़ अभी तक कमाते गया रखते गया कमाया रिटेन किया कमाया रिटेन किया जो कि रिजर्व सरप्लस है तो आप मुझे बताइए आज अगर इक्विटी शेयर खरीदोगे तो क्या वो चार करोड़ के लिए पे करोगे सिक्सटीन थाउजेंड एड करके पे करोगे एड करके पे करना पड़ेगा तो क्या लगता है रिजर्व कभी अलग हो जाएगा इक्विटी से नहीं तो जब भी मैं इक्विटी बोलूंगा तो इक्विटी में क्या क्या चीज आएगा इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व दोनों आएंगे वो कभी साथ नहीं छुटेगा अगर इसमें होता, तो माइनस कर लेते ले। तो तो किसकेम्प्लॉड के रेस्पेक्ट में डेट इक्विटी में डेट और इक्विटी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा कैपिटल गेयरिंग रेशियो दोनों फिक्स कॉस्ट वाले गियर लगाने वाले याद रखना ऐसे याद रखना बिजनेस में गियर लगाने वाले कौन बिजनेस में गियर लगाने वाले कौन प्रेफरेंस और डेट दोनों गियर लगाना मतलब रिस्क जनरेट करना रिस्क कौन करेगा जो फिक्स कॉस्ट है बार बार मैं बोल रहा हूं जनरेट कर रहेगा गियरिंग रेशियो में दोनों आता है तो ऊपर लोगों न्यूमिरेटर में कौन कौन सी प्रेफरेंस एंड डेट दोनों और नीचे आएगा इक्विटी वो इक्विटी के रेस्पेक्ट में होता है ठीक है तो कैपिटल गियरिंग रेशियो में दोनों आएगा और जब प्रोपराइटर की बात करेंगे तो सोचना कंपनी की प्रोपराइटर कौन मालिक मालिक कौन है इक्विटी लेकिन इसने क्या कर रखा है प्रोपराइटर वर्ड में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को ऐड कर रखा है रेशियो याद करोगे रिकॉल होगा नहीं होगा नहीं पता छियालीस रेशियो अभी जाना है अभी तुम तो छठे सात में पे है समझ में आ गया तो जब छियालीस रेशियो में जाओगे तो सारे खिचड़ी पकेगा पता ही नहीं चलेगा क्या है और आप एक चीज मान के चलना रेशियो से आपका टेन और फाइव फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन काम पंद्रह मार्क्स आपका कहां से है रेशियो से थोड़ा लेंदी चैप्टर है थोड़ा टेढ़ा भी है लोगों को थोड़ा सा उतना मजे भी नहीं आते हम कह सकते हैं लेकिन क्या करोगे क्वेश्चन तो फिफ्टीन मार्क्स का आता है यहां से तो करना तो ही हमें लेकिन धीरे धीरे मजे आने लगेंगे ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ठीक है तो ये जब भी बोले तो आप लोगों को जब भी कोई रेशियो रिकॉल करना है ना तो रिकॉल क्या करना है पता है वर्डिंग वर्डिंग रिकॉल करोगे रेशियो सही सही रिकॉल होगा अगर वर्डिंग रिकॉल नहीं करोगे तो दिक्कत होगा इसलिए बार बार कहता हूं गियर जैसे बोलते दिमाग में फटाक से क्लियर क्लिक हो जाना चाहिए अच्छा गियर लगाने वाले कौन प्रिफरेंस एंड डेट इसका मतलब ये दोनों इक्विटी के रिस्पेक्ट में कितना है और प्रोप्राइटर बोले तो दिमाग में आना चाहिए कौन है मालिक यानी कि इक्विटी होना चाहिए था लेकिन इसने किसको डाल दिया है प्रेफरेंस को लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा टोटल एसेट्स के रिस्पेक्ट में ठीक है आइए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा इस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को लिवरेज रेशियो क्यों बोला गया है गियर लगाना और लीवरेज जनरेट करना दोनों एक ही वर्ड है आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में कुछ लोग हैं थोड़ा बहुत ट्रेड कर कभी ट्रेड कर लिया हो दो चार शेयर वगैरह खरीद लिया हो कितने लोग हैंडेज करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है आ, ट्रेडिंग भी किया है या इन्वेस्टमेंट किया है दोनों किया है अच्छा तो उसमें देखते हो कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रोकर ना ज्यादा लीवरेज देता है ये वर्ड सुना कभी मार्जिन बिल्कुल सही बोल रहे हो इसको लीवरेज वर्ड से जानते हैं अभी आप जाओगे किसी ब्रोकर के साइड पे तो कहते हैं हम पांच गुना लीवरेज देते हैं कुछ लोग कहते हैं हम तो आठ गुना लीवरेज देते हैं वैसे आज के डेट में फाइव टाइम्स से ज्यादा लीवरेज नहीं दे पाता है क्योंकि सेविन डाल रखा है सब पे पहले क्या था ब्रोकर के पास वो थे वो ब्रोकर फ्री थे देने के लिए पांच गुना लीवरेज का मतलब क्या है देखो सौ रुपये का सामान खरीदो सौ रुपये का सामान खरीदो और बीस रुपये एडवांस मनी दो अभी अभी बीस रुपये दो और कितने का सामान खरीदो इसका मतलब आप ट्वेंटी रुपीज दे के सौ रुपये का सामान खरीदा तो कितने गुना ज़्यादा वैल्यू का खरीदा पांच तो यहाँ कहते हैं लीवरेज पांच गुना है आपको फाइव टाइम्स लीवरेज हम दे रहे हैं तो फाइव टाइम्स लीवरेज का मतलब क्या है ध्यान से सुनना अब यहाँ से अगर ये स्टॉक अगर दो परसेंट गिरेंगे ना तो आपका लॉस पाँच गुना होगा ये है फाइव टाइम्स लीवरेज का मतलब सुना कुछ वर्ड सब समझते चलिए फाइनेंस वर्ड में आए हो तो कुछ कुछ उसके टर्म्स वगैरह तो जानने पड़ेंगे ना आपको अगर सौ रुपये का कोई सामान खरीदा बीस रुपये एडवांस मनी दिया कोई भी सामान खरीदे एडवांस मनी दोगे ना और फिर बाकी अस्सी रुपये कब दोगे जब सामान मिलेगा आज आप मान लीजिए कैलकुलेटर खरीदने के कैलकुलेटर आज आपको नहीं मिला डील कन्फर्म करके आना है तो क्या करके आओगे एडवांस दे के आओगे अब बाकी एटी रुपीज कब दोगे जब हमारे पास सामान आएगा तो स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है आज शेयर खरीदो कहते आज डील कन्फर्म हुई है शेयर आज नहीं मिलेगी कब मिलेगा कल तो कल देंगे पैसे भाई तुम्हें तो आज कितना दू मैं उनको बीस परसेंट चलता है बीस परसेंट बीस रुपये एडवांस दे दो ठीक है इसको मार्केट के टर्म में मार्जिन बोला जाता है तो मैं थोड़ा उतना टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा फिलहाल के लिए तो कितना गुना ज़्यादा का वैल्यू का आपने ट्रेड किया सामान खरीदा पाँच गुना अब देखो आपकी लीवरेज पाँच गुना है रिस्क पाँच गुना हो चुका है अब बोलोगे कैसे देखो ध्यान से अगले दिन ये शेयर दो परसेंट बढ़ गया कितने पे गया एक सौ दो आज ही थोड़ा देर बाद एक सौ दो पे चला गया ठीक है आपके सामान सौ सा रुपये का कितने पे गए थोड़ा जल्दी एक सौ दो पे कितना रुपये प्रॉफिट किया दो रुपये का प्रॉफिट किया दो रुपये का प्रॉफिट किया ठीक है कितने पे बीस रुपये लगा के ना एक और भी चीज़ है आप कैलकुलेटर खरीदना था आप गए स्टेशनरी वाले के पास बोला कि कल दूंगा मैं कैलकुलेटर आपने बीस रुपये एडवांस दिए सौ रुपये के कैलकुलेटर ख़रीद लिए घर आ गए और थोड़ा देर बाद उस कैलकुलेटर का प्राइस बढ़ जाता है आपके पास चॉइस है आप जाके उसको बोलो कि भाई मुझे कैलकुलेटर नहीं चाहिए तो फिर उसको बेच दो कैलकुलेटर उसी को बेच दो उसी टाइम ये मार्केट में चलते हैं अभी कैलकुलेटर ख़रीद लो एक घंटे बाद जाके बोलो कि भाई मैं तुम्हें बेच रहा हूँ तो हमने खरीदा भी उनसे हमने बेचा भी उनको तो कल जाके कैलकुलेटर की डिलीवरी नहीं लेना पड़ेगा इतना आपको पता होना चाहिए और कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहे तो टोकना बोलना लाइव वाले से भी बोल सकते हो और ये सब चीज़ काम की है, ये पूरे फाइनेंस की टर्म्स है आप अभी नौ बज के पंद्रह मिनट में आपने एक शेयर खरीद लिया ठीक है कितने में खरीदा सौ रुपये में अब दस बजे क्या हो जाता है ये शेयर की प्राइस बढ़ जाता है आप जाके बेच दो कितने में बेच दो वन जीरो टू में सेम सामान बेचा इतने में खरीदा इतने में बोलोगे पैसे नहीं दिया अरे पैसे देंगे ना बाद में पहले हिसाब तो मिला ले कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ दो रुपये का प्रॉफिट हुआ तो अब हम कह रहे हैं कि ये चीज अगले दिन सामान कब मिलना था आपको ये मार्केट में रूल है टी प्लस वन की सेटलमेंट होती है ये सब छोटी सी बात है बहुत ही एबीसीडी है मार्केट की यार पता होना चाहिए आपको शेयर कब मिलना था आपको कल अब ये बेचा भी है आपने तो देना भी था आपको कब कल मार्केट क्या कहता है पता है ना देते हैं ना लेते है, खत्म करते इसको दो रुपये ले लो आप दो रुपये आपको मिल जाएगा आपने पेमेंट कितना किया था आपने तो बीस रुपये ही दिया ना क्योंकि अगले दिन तो आया ही नहीं जो आप सौ रुपए देते पूरे अस्सी रुपए के बैलेंस तो मुझे बताइए परसेंटेज प्रॉफिट आपका कितना हुआ दो रुपये कमाया बीस रुपये पे तो अब मैं परसेंटेज प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे अभी तक निकालते आ रहे थे कितने परसेंट कमाया दस परसेंट, दस परसेंट। आप मुझे बताइए मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ा कितना है दो परसेंट दो कैसे, दो परसेंट। दो कैसे? आपका ये शेयर प्राइस तो सिर्फ दो परसेंट बढ़े आपकी प्रॉफिट दस परसेंट हो गए क्यों क्योंकि आपकी लीवरेज कितना था फाइव टाइम्स लीवरेज क्या कहता है समझ आ रहा है कुछ लीवरेज ये बताता है कि वो आपके जो किसी भी एक चीजों का जो इफेक्ट है ना उसका रिजल्ट कितना बड़ा आएगा लीवरेज पूरा एक चैप्टर भी आपका यही काम करना है तो उसमें क्या करते हैं कि चेंज इतना इम्पैक्ट इतना वो लीवरेज बताता है यहां पे कह रहे कि हमारे बिजनेस में लिवरेज जनरेट करने वाले दो है अभी आप देखना सेल थोड़ा बढ़ेगा ना आपकी प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वो किसकी वजह से होगा पता है डेट और प्रेफरेंस की वजह से तो वो दोनों बिजनेस में लिवरेज जनरेट करता है तो अगला जो चैप्टर है ना उसी दोनों पे डिपेंडेंट है किस पे डेट एंड प्रिफरेंस पे ये दोनों हमारे बिजनेस में कितना रिस्क जनरेट करता है कितना लीवरेज जनरेट करता है वो कैलकुलेट करना है यही फाइव टाइम्स एट टाइम्स टेन टाइम्स ये कैलकुलेट करना है आपको तो यहां पे इसीलिए इसको लीवरेज रेशियो क्यों बोला है कि, कि भाई हम ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर की रेशियो जो बना रहे हैं ना हम वो रिस्क को चेक कर रहे हैं ठीक है यहां तक तो क्या याद आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर रे यहीं पर लिख लिया मैंने मेरे को डिलीट करना पड़ेगा सब हाँ जी तो क्या याद हो जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को ही क्या बोलते हैं लीवरेज रेशियो वो कैटेगरी है रेशियोज बोलना चाहिए था मुझे मैंने रेशियो लिखा है एस एड कर लेना इस पर रेशियोज क्योंकि ये कैटेगरी है ठीक है जी लिखिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज ये बी कहाँ से लिखा पता है ना आप लोगों को स्टार्टिंग हमने ए लिखा था जाके देखो लिक्विडिटी रेशियो में तो वहाँ से कंटिन्यू हुई है ये ठीक है चाहो तो आप यहाँ से ऊपर कॉन्सेप्ट लिख के इसको सेग्रीगेट कर सकते हो ठीक है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज कौन कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो आज कवरेज हो जाएगा ना हो जाना चाहिए हो जाए कवरेज भी हो जाएगा दूसरा हमारा कवरेज रेशियो तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अब इस पर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में ये भी रेशियोज है बहुत सारे इसके अंदर कितना रेशियो हम लोगों ने पढ़ लिया था फोर अब हमारे पास है या तो वन टू से फिर से शुरू करें या फाइव से शुरू कर ले अब जो बोलोगे वो कर लेंगे फाइव से शुरू करोगे तो टोटल काउंट हो जाएगा हमने कितना पढ़ा है ठीक है तो हमारे पास चॉइस है हम क्या करना चाहें अच्छा वो वैसे ही कर लेंगे चलो फिर ठीक है फिर वन टू से शुरू करते हैं इसमें कौन कौन सी आएगा देखो इसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले तो इक्विटी रेशियो ओके तो इक्विटी रेशियो में हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे ये यह देखो हाँ जी लैंग्वेज में ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो रेशियो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है वो ये यह, मैं यही लिख दूंगा कि इट इनकेट इट इंडिकेट्स परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डर आउट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो उससे क्या हो जाएगा क्योंकि रेशियो देख के आपको समझ आ जाएगा कि रेशियो कहना है हाँ जहाँ पे एनालिसिस की जरूरत है वहाँ पर जरूर लिख दूंगा मैं तो ये आ जाएगा आपका इक्विटी रेशियो कितना हो जाएगा कैपिटल नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ क्या लिखूंगा इक्विटी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहो तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करो चाहो तो आप मत करो कोई इशू नहीं है देखो इधर भी कुछ नहीं करा हुआ है नेट असेट से कंफ्यूज नहीं होना है नेट असेट्स आपका क्या है ये कैपिटल ही है ठीक है आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको ठीक है अब आते हैं दूसरे पे कौन सी डेट रेशियो डेट रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाई एक है स्पेस क्या आप लोगों के पास इक्विटी का मतलब लिख दूँ क्योंकि तो कभी कभी भूल जाते हो आप लोग वेर छोटा सा एडजस्ट कर लो इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस मैं तो रिटेन अर्निंग वर्ड ही यूज करूँगा वो रिजर्व ही है आप चाहो तो कहीं पे लिख लेना क्योंकि हमारे यहाँ बार बार रिटेन अर्निंग वर्ड यूज होता है रिटेन अर्निंग ब्रैकेट में कर देता हूँ रिजर्व चलो लिख देता हूँ और माइनस क्या करोगे इसमें एकूमुलेटेड लॉस जो बैलेंस शीट में वैसे आज के रेट पे दिखेगा नहीं लेकिन अगर मिल जाए तो कर सकते हो एकमुलेटेड लॉस है इक्विटी का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड तो कितने बार लिखा उससे कोई लेना देना हमें नहीं है हाँ जी डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है ये लिखना है कि कभी कभी इंश्यूट हो सकता है डेट में दोनों ले सकता है ठीक है कौन कौन सी नोट में लिख लो

ठीक है या दो ऑल्टरनेटिव कह सकते हो ब्रैकेट में लिख लो टू ऑल्टरनेटिव हो गया आपका क्या बताइए ऑल्टरनेटिव वन में क्या करोगे क्योंकि तो अब क्या है अब आपका एम भी आएगा मान लीजिए गलती से एम में जो चॉइस ऑप्शन दे रखा है उसने दे दिया टोटल डेट के साथ आपका हो सकता है इससे मैच ही नहीं होगा तो पता तो होना चाहिए इसलिए दोनों यूज करना आप ऑल्टरनेटिव वन में क्या करोगे बताइए लॉन्ग टर्म डेट और ऑल्टरनेटिव टू में क्या करेंगे दोनों टोटल डेट दैट इज लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म यानी कि टोटल डेट उसको बोल सकते हैं टोटल डेट रेशियो भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं तो हमारा दो फॉर्मूला हो गया एक क्या कर लेंगे डेट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड एक में करेंगे टोटल डेट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड बस दो अल्टरनेटिव आप लोग को यूज करना है डेट रेशियो के अंदर तीसरा कौन सी रेशियो था हमने बोला था अभी डेट इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म ही कंसीडर करना ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है क्योंकि तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो निकाल रहे उसी के साथ आना चाहिए इक्विटी रेशियो ज़्यादा होना अच्छा कम होना अच्छा ये बताना पड़ सकता है आपको हाई इक्विटी रेशियो क्या बताएगा ज़्यादा रिस्क इसको इक्विटी होल्डर को रिस्क ओनर को होता है किसी और को नहीं होता है हाई डेट इक्विटी रेशियो हाई डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स हाई रिस्क Associated to equity holder. डेट इक्विटी के साथ हमने क्या और पढ़ा था गियरिंग रेशियो आप चाहो तो उसमें एक वर्ड डाल सकते हो कैपिटल गियरिंग रेशियो या इसी को सिंपली गियरिंग रेशियो भी बोलते हैं गियरिंग रेशियो हम लोग दोनों लेते हैं प्रफ्रेंस प्लस डेट अच्छा डेट में सारे आएगा डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन सारे डेट में बार बार बोल रहा हूँ कैटेगरी है ये हमारा डिवेंचर का शॉर्ट फॉर्म मत समझ जाना है इसको क्या लेंगे नीचे इक्विटी के रिस्पेक्ट में दोनों एक ही है बार बार मैं बोल रहा हूँ याद करो कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो दोनों सेम है एक में हमने डेट को ले रखा है एक में दोनों को ले रखा है फ्रेंड्स प्लस डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी ये हमारा गियरिंग रेशियो हो गया इसका भी इंटरप्रटेशन क्या है सेम गुस्सा निकाल रहे हो इंटरप्रटेशन क्या करे बताइए इसका भी इंटरप्रिटेशन क्या है सेम एज डेट इक्विटी रेशियो ठीक है इंटरप्रिटेशन हमारा सेम एज डेट इक्विटी Ratio. और यहाँ तक फिफ्थ नंबर अब क्या ले बताइए मैं वो नहीं ले रहा हूं डेट टू टोटल एसेट्स मैंने नहीं लिया क्योंकि उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है समझ में आ गया हाँ जिस हम अपने स्पेसिफिक रेशियो के अंदर इसका वो क्यों बढ़ाए हम नंबर ऑफ रेशियो क्यों बढ़ाए वो तो किसी का भी साथ लिख सकते हैं हम लोग एक है हमारा प्रोप्राइटी रेशियो कंपनी के लिए प्रोपराइटर कौन है मालिक इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ तो इसको जो रेशियो लेना है आपको आ जाएगा प्रेफरेंस प्लस इक्विटी मैं जब भी इक्विटी लिखूँ सारा कुछ आएगा इसमें डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप क्योंकि ये इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये पहला रेशियो जिसके अंदर कौन आ गया टोटल असेट्स बाकी कहीं पे कुछ नहीं होता है बस सिंपल चलो तो ये हमारा कैटेगरी में अब सेकंड नंबर पे लिया था हमने क्या लिया था फर्स्ट सेकंड कवरेज रेशियो सेकंड नंबर पे हमारा आ गया कवरेज रेशियो सर गियरिंग का मीनिंग रिपीट कर दो एक बार बिजनेस में गियर लगाना यानी कि बिजनेस में रिस्क जनरेट करना इतना ही है सिंपल और कुछ नहीं है गियर रिस्क से लिंक कर लेना है गियर मतलब रिस्क ऐसे समझो जितने ज़्यादा गियर पे गाड़ी चला रहे हो उतने ज्यादा रिस्क है उतने ज्यादा रिस्क है एक गियर पे गाड़ी चलाओ दिखाओ एक्सीडेंट हो गए अच्छा हो रखा है हाँ जी डेट टू अच्छा वो लिखना है लिखवाना चाह रहे हो मैंने बोला वो तो याद ही है वो क्यों लिखू नहीं हमें नंबर ऑफ रेशियो क्या करना है कम करके चलना है मैं सिर्फ अभी वो रेशियो लिखवा रहा हूं जो आपको याद करना पड़े जो ऑलरेडी याद है वो क्यों लिखना है मुझे और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं आपका कि अच्छा ये मुझे लिख के दो ठीक है अगर मान लीजिए ये रेशियो आ गया ध्यान से सुनो गप्पे नहीं करना है ये रेशियो आ गया क्या इसको याद करने की जरूरत है डेट टोटल एसेट्स हाँ तो हो गया ना डेट डिवाइड टोटल एसेट्स अब डेट कौन सी लू बताओ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दो अल्टरनेटिव एक बार लेंगे लॉन्ग टर्म एक बार लेंगे शॉर्ट दोनों कंबाइंड तो हो गया रेशियो याद है तो हम लिस्ट क्यों बढ़ाए ज़्यादा ठीक है यहाँ तक इसीलिए नहीं लिख रहे है. हाँ अब बोलोगे सर इस पर शॉर्ट नोट आ गया तो वो सब नहीं आने वाला है और आएगा भी तो दो मार्क्स में आएगा चार रेशियो कोई भी लिख दो आप सारा लिखने की नहीं आता है हाँ अगर ये थेरी होता इस पर हर एक पॉइंट याद रखना होता तो मैं जरूर बोलता इसीलिए ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं लिखा है ठीक है अब कहाँ पे आ गए हम लोग कवरेज पे जिसने पैसे लगाया है ना अब वो ये जानना चाहता है कि कंपनी की औकात चेक कर रहा है अब कौन इन्वेस्टर आपको पता है जब भी कोई आप लोन के लिए अप्लाई करोगे क्रेडिट कार्ड के लिए तो लिमिट आपको दिया जाएगा आपके हैसियत के हिसाब से वो हैसियत कहां से चेक करेंगे आईटीआर भरते हो आईटीआर आईटीआर फिल कर रहे हो नहीं कर रहे तो फिर कैसे चेक करेगा वो चाहे कुछ भी हो आपकी इनकम चेक करेगा आपकी इनकम चेक करेगा आपको कितना लोन देना है वो बताएंगे कि पहले आप कमाते कितना हो बैंक बैलेंस से लोन नहीं देगा आप देख लो ध्यान से आपके पास बैंक बैलेंस कितना भी हो जाए वो लोन तभी देगा जब आपका कुछ रेगुलर इनकम आ रहा होगा अगर रेगुलर इनकम नहीं होगा ना तो आपको कोई नहीं देता है चेक करके देख लो कभी ट्राई करना आप।, आप मानो कि मेरे पास एक करोड़ की कोई संपत्ति है उसके अगेंस्ट लोन लेने जाओ वो भी लोन तभी देगा जब आपके पास कुछ रेगुलर इनकम चाहे कहीं ना कहीं से आ रहा हो नहीं आ रहा होगा ना तो नहीं देगा लोन आपको इसका मतलब इनकम बहुत जरूरी है तो ये जो पैसे लगाया था कौन इस तीनों लोगों ने ये तीनों लोग पैसे लगाने से पहले ये जानना चाहेगा कि ये कमाता कितना है उसके इनकम हमारे क्लेम को कितना कवर करता है कितना कवर करता है इसलिए इसको कवरेज रेशियो बोला गया है अब सोचिए डेट होल्डर को पेमेंट कहाँ से मिलेगा डेट होल्डर को पेमेंट कहाँ से मिलेगा कौन सी इनकम से ईबीआईटी से मान लीजिए बिजनेस में उसका ईबीआईटी था है वन थाउजेंड चलो वन लाख का ईबीआईटी किसी कंपनी का आप जो उनको पेमेंट कर रहे हो लोन जो दे रहे हो या डिवेंचर के लिए पैसे दे रहे हो कुछ भी है आप क्या लेके जाओगे इंटरेस्ट जब आप इसमें से इंटरेस्ट लेके जाओगे और आपका इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ टेन है सोचो आप थोड़ा ध्यान से आप ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हो जो हर साल वन लाख रुपीज कमाता है लेकिन उसको पेमेंट कितना करना है ओनली टेन थाउजेंड तो आप पैसा देना पसंद करोगे नहीं देंगे क्योंकि आपके जो क्लेम है ना वो क्लेम को टेन टाइम्स कवर कर रहा है इनकम कितना कवर कर रहा है टेन टाइम्स तो यहां कवरेज रेशियो टेन टाइम्स हो गए कवरेज वर्ड कहां से आए समझ आ गया आपको कवरेज इनकम से है कि मेरे क्लेम को उसके इनकम कितना कवर कर रहा है तो कवरेज रेशियो अब किसके क्लेम इंटरेस्ट क्लेम है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर डिविडेंट होगा तो डिविडेंट कवरेज रेशियो मान लीजिए प्रेफरेंस होल्डर है सुनते जाना ध्यान से क्योंकि सारे के सारे जितने भी रेशियोज पढ़ रहे हो नाम के साथ उसका लॉजिक लिंक है मैक्सिमम का अब ये कह रहे डिविडेंट कवरेज रेशियो डिविडेंट कवरेज रेशियो कौन निकालेगा दो लोग एक प्रेफरेंस और एक इक्विटी तो हम अभी कैलकुलेट कर रहे प्रेफरेंस होल्डर का कवरेज तो प्रेफरेंस डिविडेंड का अगर हम लोग कवरेज कैलकुलेट करें तो उसको डिविडेंड चाहिए होगा मान लीजिए उनको डिविडेंड चाहिए फाइव थाउजेंड रुपीज तो क्या वो सोचेगा जो इंसान वन लाख रुपीज कमा रहा है वो फाइव थाउजेंड कवर करेगा कि नहीं करेगा करेगा आपको क्या लगता है पैसे दे देना चाहिए वन लाख को देख के दे देना चाहिए लाख को देख के नहीं देंगे हम देख के दोगे फिर वन लाख को देख के यानी होल्डर भी उनके एक लाख रुपये इनकम देखेगा और प्रेफरेंस होल्डर भी जिसको पैसे दे रहे हैं उनके एक लाख का इनकम देखेगा यही देखेगा ना तो क्या बोलेगा अरे मेरा तो फाइव थाउजेंड का क्लेम है जो लेना है और वो कमाता कितना है एक लाख कितना गुना कवरेज है ट्वेंटी टाइम्स खुश हो जाएगा वो ट्वेंटी टाइम्स कवरेज होना चाहिए ठीक है फिर इस कंपनी ने क्या कर लिया था बड़ा सा लोन ले लिया जहां पे उनको इंटरेस्ट पेमेंट करने हैं दस लाख के आप तो खुश रहो ना भाई आपकी क्लेम तो बीस गुना सुरक्षित है अभी तो बोला था आपने प्रेफरेंस वाले भाई वो तो बीस गुना कमा रहा है बीस गुना मैं तो खुश हूं मेरा कम क्लेम सिक्योर है सेफ है कोई दिक्कत नहीं है लग रहा है आपको ऐसा है कुछ तो गड़बड़ कर लिया आप लोगों ने एनालिसिस एनालिसिस में कुछ गड़बड़ किया लग रहा है आप लोगों को क्या गड़बड़ किया इसकी जो कवरेज निकाला था ना वो कवरेज कभी ई e से नहीं आएगा अगर ई e से कवरेज निकाले को डूब चुका है वो डूबोगे कैसे उसको एक रुपया नहीं मिलने वाला है बोलो कैसे इसकी इसकी प्रायोरिटी कब आएगा डेट के बाद डेट के बाद अब डेट को पेमेंट करने, कि, करने कितने हैं दस लाख कमाया कितना है बचा कितना माइनस नौ लाख पैसे तो है नहीं कहां से दे देंगे आपको इसका मतलब प्रिफ्रेंस होल्डर को जब अपना क्लेम कितना सुरक्षित है ये अगर कैलकुलेट करना हो तो वो कभी ई नहीं देखेगा अगर ई देख के कभी क्लेम निकाला तो हो गया तो यही में समझ आ गया बात क्या देखना चाहिए उसको ई बी टी हो सकता है ई बी टी में भी ना कुछ बचे आपका क्यों गवर्नमेंट कहता है मेरा हिस्सा कहाँ पता चला सारा गवर्नमेंट को दे दिया आपके पास कुछ बचा ही नहीं तो कैसे पे करोगे इसको तो ई बी टी भी नहीं होना चाहिए ना ई बी टी होना चाहिए ना ई बी आई टी होना चाहिए क्या होना चाहिए ई ए टी अगर ई ए टी बचा हुआ है तो आपको पेमेंट होंगे नहीं तो नहीं पेमेंट होंगे तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो होगा वो किस पे निकाले जाएंगे ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड की जब भी कवरेज निकालना हो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का कवरेज किस पे आएगा ये तो बड़ी गड़बड़ है ये तो नेट प्रॉफिट बोल रहा है नहीं ठीक है यही नहीं है ना ये हाँ ठीक है ये टी से आता है क्योंकि प्रेफरेंस इसके बाद पेमेंट होते हैं ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स से निकालते मान लीजिए फाइव थाउजेंड है और हाँ अगर ई अगर वन लाख होता तब इसको सोचना कि सोचने की जरूरत नहीं है इसके पैसे कभी डिफॉल्ट नहीं होगा पैसे कौन लेके भागता है जिसका नीयत खराब होते नीयत किसका खराब होता है जिसके पास पैसे नहीं होते सिर्फ 5% परसेंट ऐसे लोग होंगे सिर्फ 5% परसेंट ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे होंगे फिर भी नियत खराब होंगे अदरवाइज नॉर्मली जिनके पास पैसे होते हो किसी के पैसे लेके भागना नहीं चाहते कहते अरे हाँ ठीक है लिया है दे दो कभी तो हेल्प किया था ना हाँ या ना तो इसीलिए अगर ये रहेगा तो इनको मिलेगा ये हम मान के चलते हैं ऐसा नहीं है कि ये रहेगा तब भी नहीं मिलेगा इसलिए इन्वेस्टर जब भी कोई कवरेज निकालता है तो कवरेज किससे चेक करता है उसको मिलने वाले इनकम से तो क्लेम को कितना कवर कर रहा है तो यही बोल रहा है कि देखिए एबिलिटी ऑफ द फॉर्म टू पे डिविडेंट ये एबिलिटी बताता है फॉर्म का कि पे करने का क्या उसका एबिलिटी है तो अगर मान लीजिए टेन टाइम्स आ गया तो हम कह सकते हैं इस फॉर्म की एबिलिटी है टेन टाइम्स उसकी डिविडेंट को पे करने की तो कवरेज रेशियो क्या बता रहा है एबिलिटी ऑफ फॉर्म टू पे क्लेम ऑफ द इन्वेस्टर प्रिफ्रेंस कवरेज रेशियो भी हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हो गया डिविडेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं कौन सी डिविडेंट इक्विटी डिविडेंट वो कैसे निकालोगे यही से इक्विटी डिविडेंट कवरेज रेशियो में कहता है ई में से उसका डिविडेंट हटा दो और फिर निकालो हम यही बोलेंगे ना इतना कौन जाता है करने हम लोग क्या बोलेंगे ई ए यहां तक तो ठीक है और सारे परेशानी जो है ना इसमें क्योंकि ये भी हो गया देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपका हो गया कैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट अब इसकी ये जो कवरेज रेशियो है ना डेट सर्विस कवरेज रेशियो और फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो दोनों एक ही चीज़ है ये झूठ मोट का दो जगहों पे लिख के नंबर बढ़ा दिया है मैं दोनों को एक साथ लिखवाऊँगा अब ये क्या है थोड़ा ध्यान से सुनते हैं कितना टाइम है हमारे पास फिफ्टीन मिनट्स चलो सेवनटीन मिनट्स है ठीक है फोर्टीन मिनट्स है नहीं अभी फोर्टीन पॉइंट फाइव मिनट्स है अब सुनिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो लाइव वाले सबको समझ आ रही है ना जी सीम्स लाइक इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो लाइव वाले हमेशा बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो डेट कौन है डिवेंचर एंड लोन जिसने दिया है उसकी सर्विस क्या होता है डेट का सर्विस क्या होगा मान लीजिए आप डेट होल्डर हो मैं कंपनी हूं मैं आपको सर्विस दे रहा हूं क्या सर्विस दूं इंटरेस्ट पेमेंट करूं डिवेंचर होल्डर हो तो मैं इंटरेस्ट दूं और अगर लोन है तो इंस्टॉलमेंट दूं क्योंकि प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा डिवेंचर में तो प्रिंसिपल का पेमेंट होती है एंड में कोई दिक्कत है किसी को नहीं तो जब भी डेट की सर्विस की बात किया जाए तो हम बोलेंगे डेट की सर्विस देना मतलब उसको पेमेंट कर दो मान लीजिए आपके कोई उधार दे ले रखा है कहते हैं बता क्या सेवा करूं मान लीजिए आपसे आपके दोस्तों ने पैसे ले रखा है जिसने पैसे ले रखा है आपको पूछता है बताओ दोस्त क्या सेवा करूं तेरा नहीं पैसे दे दे वापस भाई आपके पैसे ले रखा है तो क्या करेगा पैसे वापस नहीं दे यही तुम्हारा तो सेवा है तो यहां डेट को सर्विस देना है यानी कि डेट को सेवा कर रहे है कोई कौन करेगा कंपनी क्या करेगा उनके पैसे वापस करेगा तो क्या पैसे वापस करे दो चीज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल तो क्या इंस्टॉलमेंट बोलू इसीलिए इसको इंस्टॉलमेंट कवरेज रेशियो भी मैं नाम दूंगा इसको मैं इसको क्या नाम दूंगा इंस्टॉलमेंट कवरेज रेशियो अब सोचो ये जो इंस्टॉलमेंट कवरेज रेशियो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए कंपनी के कौन सी इनकम देखे अभी गप्पे करेंगे बाद में जाके क्या दिक्कत होगा याद करने पड़ेंगे क्योंकि नाम से लिंक नहीं कर पाओगे मैं बार बार क्या कह रहा हूं अगर नाम से रेशियो लिंक हो रही है सारे माइंड में रहेगा अगर नाम से लिंक ना होके सीधा रेशियो रट्टा लगा रहे हो तो कब मिक्सअप होने लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा आगे हम कुछ के डी पढ़ते हैं आगे पढ़ोगे अगला चैप्टर में कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट डिवाइडेड बाय टू। जब मैंने पढ़ा था मुझे पता ही नहीं था वो क्या रहा है ठीक है अपने टाइम पे अभी आपको भी नहीं पता चला आप बता जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हो क्या रहा है क्योंकि हम इस पर लगाते एक घंटे सिर्फ़ एक फार्मूला पर हमारा एक घंटा लगता है और ये कुछ नहीं है ये क्या है मैं बता देता हूँ सौ रुपये बस ये रहा ना देखो ना सौ रुपये मैंने किसी से रिसीव किया सौ रुपये रिसीव किया नेट प्रोसीड्स और मैं इस पर किसी को पाँच रुपये पे करता हूँ तो मेरा कितना परसेंट का कॉस्ट है पांच डिवाइडेड बाय सौ मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड यही ये, ये फॉर्मूला है उसके अलावा कुछ है ही नहीं वो सिर्फ एवरेजिंग किया गया है और कुछ नहीं है वो एवरेज किया गया क्योंकि अमाउंट डिफर करता है तो डिफरेंट अमाउंट में कैसे लोगे मान लीजिए एक बार मैंने दिया पांच एक बार दिया सात क्या करोगे आप एवरेज करके बोलोगे ना एनुअल बेसिस पे तो यही सारा चीज है बोलोगे एग्जाम्पल क्यों लिया मैं इसलिए लिया क्योंकि जब मैं एग्जाम में बैठा था मुझे इस फार्मूला का कोई लॉजिक कुछ भी नहीं पता था मैंने एग्जाम में क्या किया था इसको मैंने किया था लाइफ इसको किया था टू और बाकी कुछ नहीं किया था जब घर पे आया तो मैंने बोला अरे सब कुछ तो सेम किया चार मार्क्स तो गए क्योंकि के पे चार मार्क्स था उसमें मैंने लाइफ की जगह टू कर दिया टू की जगह लाइफ कर दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है इसके अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है इसलिए जब भी कोई चीज बोल रहा हूं तो उसको समझ लो दस मिनट है मेरे पास ग्यारह मिनट है अभी <laughs> हाँ जी डेट को सर्विस देना बार बार मैं बोल रहा हूं डेट को सर्विस देना भाई डेट को क्या सर्विस देगा कोई भाई डेट होल्डर उनको पैसे दो हो गया उनका सर्विस उनको पैसे क्या देना है इंटरेस्ट देना है प्रिंसिपल देना है इंस्टॉलमेंट पे कर दे हम अब इंस्टॉलमेंट जब पे करते हैं तो उसके लिए कौन सी इनकम देखें ये बहुत जरूरी है क्या बोला मैंने अभी जब मैं किसी को इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं तो उसके लिए मैं क्या कमाता हूं मुझे ये देखना है क्या इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए ये वन लाख कमा रहा है या इससे ज्यादा कमा रहा है पहले ये बात समझो यही भी थोड़ा सा लोचा है ईबीआईटी हमने कितना देखा वन लाख मान लीजिए इंटरेस्ट है इनका चलो इस एग्जाम्पल को ही छोड़ो ऐसे सोचो आप एक बिजनेस है चलो हमने आपसे कुछ पैसे लिए ठीक है मैं आपसे कुछ पैसे लिए ठीक है इस पैसे को मैं क्या करूँगा इन्वेस्ट करूँगा चलिए आपसे मैंने कुछ टेन लाख रुपीज़ ले लिया सुनते रहेंगे ध्यान से कितने रुपये ले लिए टेन लाख कितने रेट पे चलो ट्वेंटी परसेंट पे कितना मैं आपको इंटरेस्ट दूँगा हर साल दो लाख और अगर इंस्टॉलमेंट जाएगा तो कुछ प्रिंसिपल भी जाते रहेंगे तो हर साल का इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा क्या होता रहेगा कम होता रहेगा मैं इस पैसे को करूंगा क्या इन्वेस्ट करूंगा मान लीजिए मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट किया इस इन्वेस्टमेंट से कुछ मैंने मशीन खरीद लिया क्या करा मशीन खरीद लिया कुछ कितने का खरीदा दस लाख का इसकी लाइफ है कुछ फाइव ईयर की ठीक है पाँच साल के बाद ये मशीन क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा मैं इससे कुछ कमा के ला रहा होऊंगा मुझे पता है इस मशीन को मुझे फाइव ईयर बाद क्या करना है रिप्लेस करना है मुझे इसको फाइव ईयर बाद रिप्लेस करना है तो क्या मुझे कुछ बचा के भी रखने पड़ेंगे फिर फाइव ईयर बाद खरीदने के लिए ओके okay. मैंने यहाँ से कुछ सेल किया ठीक है और इस पर कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा होगा अभी पढ़ा बिजनेस का कॉस्ट अब इसके बाद क्या आएगा बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब इस ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हम ले रहे हैं जिसमें हमने सी ओ जी एस बोलो बोलो जल्दी से सी ओ जी एस एडमिन ओवर हेड सेलिंग ओवर हेड मुझे तीन ही नाम चाहिए उसे ज़्यादा नहीं चाहिए सी ओ जी एस एडमिन ओवर हेड सेलिंग ओवर इसके अंदर फिक्स भी है वेरिएबल भी है वेरिएबल भी है फिक्स भी है ओवर को नॉर्मली हम किस कैटेगरी में रखते हैं फिक्सड में बाकी जो डायरेक्ट वाले किसको रख देते हैं उसको वेरिएबल कैटेगरी में ठीक है क्या ओवर हेड के अंदर डिप्रेशन भी है ओवर के अंदर डिप्रेशन भी है तो जब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं तो अभी मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ले रहा हूं लेकिन कैश वाले है? अभी मैंने डिप्रेशन इसमें मान लीजिए नहीं लिया है ठीक है अब इसमें से क्या लेस करूंगा बताइए डिप्रेशन तब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी क्या डिप्रेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है हमारा है नॉन कैश है ओके तो अब आप मुझे बताइए ये, ये जो बचा क्या इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलूँ इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और भी कुछ नाम दिया था ई बी आई टी अगर अभी से आवाज़ नहीं आएगा ना देखना दस दिन के अंदर आप कितना पीछे छूट जाओगे आइडिया भी नहीं लगेगा अभी तो स्टार्टिंग में लग रहा होगा सब आसान कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं समझ आ रहा है कुछ ज़्यादा ही कछुए के चाल में चल रहे हैं सब कुछ है ठीक है मैं मानता हूँ जब स्पीड बढ़ेंगे थोड़ा सा जब बढ़ेंगे और जिसको छूट गया वो पीछे रह जाएंगे फिर पता भी नहीं चलेगा कितना आगे हम निकल चुके हैं इसीलिए मैं जब भी कुछ बोल रहा हूँ सब कुछ बोलना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ई e तो अभी जो आपने इंटरेस्ट कवरेज निकाला था वो तो इसी वी से निकाला था ठीक है हमने कितना अभी कितना इंटरेस्ट इसको पे करना है दो लाख तो जब ये यहाँ से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपना निकालेगा दो लाख रुपये का पेमेंट कर पाएगा कंपनी की नहीं कर पाएगा तो उसके लिए क्या देखेंगे ई मान लीजिए इस कंपनी का ई बी आई आते फाइव लाख रुपीज का तो क्या बोलेगा ये ये पर्सन आप मुझे क्या मान लीजिए मैंने लिया आपसे पैसे मैं इस जिस बिजनेस में पैसे लगाया हुआ मशीन खरीदा हूँ उस मशीन से मैं कमा के लाने वालों फाइव लाख आप क्या बोलोगे अच्छा ठीक है पेमेंट कर ही देंगे क्यों पेमेंट कर देंगे क्योंकि ढाई गुना कमाता हूँ मैं आपको जितना मुझे इंटरेस्ट देना है उसका टू पॉइंट फाइव टाइम्स कमाता हूं तो मैं पैसे आपको नहीं डूबेगा आपका इस बात का थोड़ा सा आपको भरोसा हो जाएगा अश्योरेंस हो जाएगा अब मुझे बताइए इसकी इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा मान लीजिए मैंने इसके जो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है ना प्रिंसिपल पेमेंट के लिए मैंने ये बोल रखा है प्रिंसिपल हाँ जी कितना आ जाएगा बताइए मैं बोल रहा हूं कि आपको पांच साल का इंस्टॉलमेंट इक्वली देना है दो लाख रुपए तो ये दो लाख रुपये प्रिंसिपल का भी आ गया तो टोटल पेमेंट कितनी होनी है क्या बोलूँ इसको मैं इंस्टॉलमेंट बोलूँ? तो आप मुझे बताइए क्या आप इस चार लाख का क्लेम देख रहे हो इस पांच लाख के प्रॉफिट से क्या ये कुछ लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है बस इतना बताओ मुझे नहीं लग रहा है क्यों टैक्स तो बाद में जाएगा हमारे पेमेंट के बाद जाएगा बट टैक्स कंपनी 80 परसेंट ले लेती गवर्नमेंट हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन सी प्रिंसी प्रिंसिपल इनकी तो आपकी वो तो आपकी जिम्मेदारी है टैक्स देना तो आपकी जिम्मेदारी के लिए मेरे को पैसे दे दोगे कि नहीं दोगे उसकी जजमेंट में क्या फर्क पड़ेगा सोचो अभी जजमेंट क्या है यहाँ पे सोचना कवरेज रेशियो कौन निकाल रहा है कवरेज रेशियो कौन निकाल रहा है कौन कौन निकाल रहा है कवरेज रेशियो इन्वेस्टर वो ये जानना चाहता है कि जो आपके क्लेम है जो पैसे ले रहे हैं वो दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा यही चेक कर रहे हैं आपको कितने पैसे चाहिए मेरे से चार लाख रुपए मैं कितना कमा रहा हूं ये बताओ ना पक्का यही तो दिक्कत है मैं सात लाख कमा रहा हूँ मैं सात लाख कमा रहा हूँ चेक करके देखो आप बोलो कैसे नहीं रुको अभी रुको यही तो सारे झमेला इसी को तो समझना है मैं कैसे सेवन लैख कमा रहा हूं सोचो थोड़ा ध्यान से मैं ये टू लाख किसको दे रहा हूं आपको पता है वो क्या था आपकी जो पेमेंट है ना वही मैं यहां से डिडक्ट कर रहा हूं चेक करके देखो अब तो मशीन में जो लगाया था मशीन में जो लगाए थे मशीन की वैल्यू गिर रही है गिर रही कि नहीं गिर रही है तो जो मशीन की जो वैल्यू गिर रही है तो एक तरीके से हमारा कैपिटल की जो रिकवरी एक तरीके से मैं बोलूँ प्रिंसिपल की रिकवरी मैंने हटाया है मैं ऐसे बोलता हूँ आप सोचो मैंने कोई दस लाख का मशीन खरीदा है ठीक है अगले साल वो मशीन बच जाता है एट लाख का कितने का बचा एट लाख का मुझे टू लाख रिकवरी करना था कि नहीं करना था वो मेरा एक्सपेंस है या नहीं है एक्सपेंस में और एसेट्स में तो डिफरेंस पता है मैं चाय खरीद के लाया यहाँ चाय रखा हुआ है असेट्स एक्सपेंस ध्यान से चाय खरीद के लाया टेबल पे रखा हुआ है अभी चुस्की लगा नहीं है ध्यान रखना क्या बताइए yes. नहीं है एक्सपेंस असेट्स से मेरा वो मैं बेच सकता हूँ अभी मैंने क्या बोला है चुस्की नहीं लगाए उस सामने वाले को जाके उसी दुकानदार को बोलेंगे भाई मैंने यूज नहीं किया रख लो ठीक है ठंडी हो गई गर्म कर लेगा वो वो गर्म कर लेगा हाँ वही तो मैं भी वो कह रहा हूँ असेट्स अग्री करते हो ना हाँ जब तक मैंने उसको जूठा नहीं किया है तब तक वो मेरा क्या है असेट्स है जैसे जूठा कर दिया एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गए इससे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नहीं है एसेट्स और एक्सपेंस को कन्वर्ट बताने के लिए एक्सपेंस वो है जो अब रिकवरी नहीं होंगे असेट्स कौन सी है जिससे हमारा कुछ पैसे रियलाइज हो जाएगा मशीन दस लाख का था एक साल यूज किया कितने पे आ गए वो आठ लाख पे अब कितना रिकवरी नहीं होगी दो लाख वो जो असेट्स थी ना वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है एक्सपेंस में जो वैल्यू अब रियलाइज हमारा नहीं होगा आप मुझे बताइए ये जो एक्सपेंस कन्वर्ट हुआ है ये क्या नॉन कैश है आपका तो ध्यान से बोलना हम बार बार नॉन कैश जरूर बोलेंगे लेकिन क्या नॉन कैश सही है सोच के देख लो आप नॉन कैश कैसे हो गया हम कैश ऑलरेडी पे कर चुके हैं दस लाख दे चुके हैं वो जो दस लाख पेमेंट किया था उसमें से दो लाख की अब रिकवरी नहीं होगी हाँ इस साल के लिए वो नॉन कैश है लेकिन वो एक्सपेंस नॉन कैश नहीं था उसको हम एडवांस से पहले पेमेंट कर चुके थे समझ में आया अकाउंट्स बनती है मैचिंग कॉन्सेप्ट से मतलब उसके रिलेशन में जितना इनकम हमने इस बार बुक किया है उसका खर्चा भी इस बार बुक करेंगे तो भाई जब मशीन हमने आज यूज किया उससे हमारा रेवेन्यू आज जनरेट हुई तो उसका खर्चा भी कब बुक करेंगे आज तो हमने बुक किया तो मुझे बताइए ये जो आपने रिकवरी किया है टू लाख माइनस करके आप बोल रहे हो कि मैंने सिर्फ फाइव लाख अर्न किया यही बोल रहे हो ना आप कह रहे हो कि मेरा प्रॉफिट कितना फाइव लाख जबकि कायदे से तो आपने सेवन लाख कमाया था आपने सेवन लाख में क्या बोला कि अच्छा वो जो हमने असेट्स खरीदा था ना उसमें से जो वैल्यू उसकी गिरी वो भी तो रिकवरी करने पड़ेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिकवरी आपके प्रिंसिपल सॉरी डेप्रेसन है क्या मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कुछ लॉजिकली कुछ गलत तो नहीं यूज कर रहा ना नहीं तो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है तो प्रिंसिपल की रिकवरी है तो आप प्रिंसिपल की पेमेंट भी तो यहाँ कर रहे थे आप तो यही जो पेमेंट है आप उसको कर दो समझ में आ गया बात तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप जो जो प्रिंसिपल पेमेंट करते जा रहे हो प्रिंसिपल के लिए जो हम कमा रहे हो सेवन लाख कमा रहे अब आप बोलोगे सर आपने तो एग्जाम्पल मैच करा दिया इधर भी ईयर ले लिए इधर भी 20 ले लिए इधर भी फाइव ईयर कर दिया तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा असर कितने साल में खत्म हो रही है पांच साल में तो मैंने सामने वाले को बोला कि तुम्हारे पैसे जो मैंने यूज किया मेरे पांच साल में खत्म हो रही है तो मैं तुम्हें पांच साल में पे कर देता हूं तो मैंने बुराई क्या किया इसका मतलब उनके पैसे मैंने यूज किया और ये पैसे खत्म हुए मैंने उनको रिपेमेंट भी कर दिया यानी कि मेरा हिसाब किताब बराबर ठीक है यहां तक तो इसका मतलब जब भी कभी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने की बात होंगे तो ये पर्सन फाइव नहीं अर्न कर रहा है सेवन अर्न कर रहा है क्योंकि प्रिंसिपल को पेमेंट करने के लिए प्रिंसिपल की रिकवरी वो हटा रहा है बस इतना लाइन अगर समझ में आ गए तो फिलहाल के लिए काफी है कुछ पूछना चाह रहे हो पूछ सकते हो हाँ जी पूछिए कुछ आ रही माइंड में आपके कुछ नहीं नहीं आ रहे तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जब भी कभी इंस्टॉलमेंट की कवरेज निकालना हो तो हम कौन सी प्रॉफिट चेक करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो चेक करेंगे लेकिन डिप्रेशन डिडक्ट करने से पहले तो हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं प्लस डिप्रेशन मैं क्या यूज करने जा रहा हूं ईबीआईटी प्लस डिप्रेशन वाले जो प्रॉफिट है

इसको बोला जाता है कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैश फ्लो बोलते हैं इसको आगे में पढ़ाऊंगा जब किसी प्रॉफिट में डिप्रेशन ऐड किया जाता है तो कैश फ्लो बोलते हैं ये वर्ड आपके ब्लड में आ जाएगा कैपिटल बजटिंग की ए बी सी डी है ये एक चैप्टर बड़ा सा है आपका कैपिटल बजटिंग उस कैपिटल बजटिंग चैप्टर का ए बी सी डी है ये बहुत ही एबीसीडी मतलब समझते ना स्टार्टिंग में आपने सीखा यह है कैश फ्लो और कैश फ्लो कैसे आता है ई बी आई टी में डिप्रेशन ऐड करके एक है। तो कैश फ्लो कौन सी वाले इंटरेस्ट से पहले वाले इसको बोला गया है कहते कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर्स ऑल फिक्स चार्जेस ये वाले मेरा फिक्स चार्जेस करता है ध्यान सुनना कैश फ्लो बिफोर टैक्स यही बोल रहे हैं ना अब आइए आगे ये दे रहा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो नोट पढ़िए क्या लिखा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन और कहते कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द रिक्वायरमेंट मतलब जब आप ये वाले रेशियो निकाल रहे हो तो आप में यही कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो यही है ना कैन बी कंसिडर्ड मतलब आपने अभी किया नहीं है कर सकते हो क्या नहीं किया है ये लिख के दिया ध्यान से देखो ये पढ़ो ये इसको ये जो है ना ये आपको ई बी आई टी प्लस डिप्रेशन के जैसे दिखेगा अगर इसमें हम टैक्स ऐड करते देख लो एक बार ध्यान से देखना आइए ये क्या है बताइए नेट प्रॉफिट आप ध्यान से सुनना यह आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डिप्रेशन चलो डिप्रेशन को बाद में ऐड करता हूँ और क्या ऐड किया इसमें इंटरेस्ट एक काम करता हूँ मैं इसमें पहले टैक्स ऐड कर देता हूँ तो कहाँ पहुँच गए बताइए आफ्टर टैक्स में टैक्स एड कर दिया कहां पहुंच गए प्रोफिट बिफोर टैक्स पे ओके अब मैं ये मैंने अपने तरफ से कराया अभी फिलहाल ये मैंने अपने तरफ से डाल दिया इसको ठीक है कहां पहुंच गए बताइए पी अब मैं ऐड करता हूं इसमें इंटरेस्ट कहाँ पहुंचे बताइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सॉरी बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड कर दिया yeah. तो ई बी आई टी पहुंच गए ये आ चुका है हमारा ये आ चुका है हमारा ठीक है अब कहते हैं अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ असिज ठीक है वो तो नॉर्मली हमारे कभी होता नहीं है तो क्या ये वाले पोर्शन आपका क्या क्या बताइए ई बी आई टी और देखो एक बचा हुआ था अभी हमारा कौन सी इसमें से e इसमें से देखो नॉन कैश वाले डिप्रेशन बचा हुआ था इसी को भी मैंने ऐड कर दिया तो मुझे बताइए क्या ये आपका ई बी आई टी प्लस डिप्रेशन आ गए जो कि कैश फ्लो जो कह रहे थे इसको भी ले सकते हैं भाई उसी को ले लेते हैं ना खत्म करते हैं कहानी इसका मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो और फिक्स चार्ज रेशियो दोनों आपका सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिख रहा है अब देखो दिक्कत क्या है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल और देखो यहाँ गड़बड़ क्या किया है इसने गड़बड़ यहाँ पे यह है इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट ये अभी भी मिस्टेक है क्योंकि इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको एटलीस्ट इतना वर्ड लिखना चाहिए था इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ध्यान से सुनो यहां इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल लिख के देना चाहिए था लेकिन इसने सिंपली इंस्टॉलमेंट लिख दिया तो इंटरेस्ट तो डबल डबल हो जाएगी फिर तो हम खुद समझ रहे कि ये कौन सी वाले होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो जब ये प्रिंसिपल का रिपेमेंट है तो फिर ये फिक्स चार्जेस में भी तो आप वही ले रहे हो फिक्स चार्ज रेशियो में कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो मेरे एनालिसिस से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है हाँ, अगर ये लॉस ऑन फिक्स ऑफ असर आ गए अगर तो फिर ठीक है उसको आप अलग से एक एडजस्टमेंट कर सकते हो किसमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो में क्योंकि मान लीजिए इसमें ये बोलना चाह रहा है बस पांच मिनट एक्स्ट्रा हुआ है कि ये मशीन अगर हमने बेच दिया पहले ही बेच दिया ध्यान सुनो मशीन अगर आपने पहले ही बेच दिया और आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट में बेच दिया तो कहते हैं वो भी आपका इस प्रॉफिट में आ जाना चाहिए हाँ तो ठीक है आना चाहिए सोचो आप ध्यान से एक साल बीत गए कितने की मशीन बची है बस एक मिनट आठ लाख का वो मशीन इतना मतलब अच्छा था कि वो प्रोडक्शन उसकी बंद हो गई लोग उसको बीस लाख देने को तैयार है कितना देने को तैयार है ट्वेंटी लाख वो आठ लाख के मशीन को तो इसके लिए तो और खुश होना चाहिए भाई क्योंकि इतना महंगा बेच रहा है उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं मेरा तो पेमेंट हो ही जाएगा तो बस एक ही चीज एक्स्ट्रा रहेगा ना तो ठीक है मैं एक काम करेंगे मैंने भी सोचा इस बार दो ही करा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ये तो ले ही लेंगे अब ये अच्छा एक चीज़ मैंने तो बोलना ही भूल गए एक टैक्स मैंने अपने तरफ से डाला था इसमें टैक्स नहीं था अब यहाँ पे देखो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बोल रहा है तो एक छोटी सी चीज़ों को लेके ना हम अपना लिस्ट नहीं बढ़ाएंगे भाई आपने बोला ना कि हम बिफोर टैक्स ले सकते हैं तुम ले ही लेते हैं ना ले सकते नहीं ले लेते ख़त्म करते बात वो टैक्स की झमेला नहीं रखते इसमें टैक्स नहीं है मतलब ये हटा के लिया रहा है तो exactly एग्जैक्टली यही याद रखने की जरूरत नहीं ना ऐसा कभी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताओ हम लोग वो सीधा लेंगे ई बी आई टी प्लस डिप्रेशन ले लेंगे चलो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स और प्रॉफिट को हम अलग करके दोनों बना ही देंगे अलग चलो इतने की वजह से ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिख लेंगे आज के लिए इतना ही अब थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ना शुरू करना बुक्स आ गए सबके पास तो होगा ना आप लोगों ने बुक्स मंगाए नहीं मेरा नहीं इंस्टीट्यूट वाले मेरे को तो अभी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हम तो सारे रेशियो पहले खत्म करेंगे तब क्वेश्चन पे जाएंगे क्योंकि है कि इसमें खिचड़ी पका हुआ है कुछ जितना रेशियो है ना उतने की क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसके लिए मुझे एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे तो क्या फायदा सीधा क्वेश्चन करें ना सॉल्व आराम से वो चीजें इंस्टीट्यूट वाले हैं ना रीड करना थोड़ा थोड़ा सा ठीक है